हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका सिविल स्वेल एजुकेशन में हम लोग दृष्टि का टेस्ट नंबर सोलह कर रहे हैं और ये लास्ट वीडियो ठीक है जो क्वेश्चन बचे हुए थे यानी एट्टी वन से वन फिफ्टी बचे थे ना एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देना थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा पर आप लोग प्लीज़ उसको वन पॉइंट टू फाइव एक्स में देख लेना सारा रिविजन हो जाएगा हेल्प करेगा आपको तो यहाँ पर हम लोग की यू पी पी सी एस की टेस्ट सीरीज खत्म हो जाएगी ठीक है इसके बाद करंट शुरू करेंगे आइए फिर जल्दी से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर एट्टी वन से ना मैं थोड़ा इसको सेट कर लूँ ठीक है अब पढ़िए हाल ही में समाचारों में रही असमी असमी ये क्वेश्चन हम लोगों ने कल लिए है ना एक तरह से रिविज़न हो रहा है तो जल्दी से देख लीजिए इसको देखिए असमी है क्या यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा असमी देखो ये है असमी ठीक है यानी ये मशीन पिस्टल है एक मशीन पिस्टल है ठीक इसको डेवलप किया है डी ने ठीक है और इसकी खास बात क्या है ये इसमें इसको बनाने के लिए थ्री डी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया ठीक और इसकी और क्या खूबी हो सकती है ये ऑटोमेटिक भी है ठीक है इतनी बातें हैं इसमें ठीक चलिए आगे करते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे मशीन पिस्तौल लिखा है मशीन पिस्टल बी ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट है ठीक देखिए क्वेश्चन नंबर एटीड टू देखिए साथी के संदर्भ में यहाँ पे हम लोगों को बताना देखिए साथी के बारे में यहाँ पे पहली चीज़ जान लीजिए ये एक पोर्टल है पहली चीज़ ये एक पोर्टल है और पोर्टल पे क्या रहता है यहाँ पे एम आई एम आई एस एम आई एस यानी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम जैसी चीज़ें यहाँ पर रहती हैं और ख़ास तौर से इन्फॉमेशन किस चीज़ की रहेगी यहाँ पे इसका पहले फुल फॉर्म जान लीजिए तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा इसका फुल फॉर्म देखो साथी का क्या है स्टेट वाइज स्टेट वाइज एक्शन ऑन एनुअल टारगेट एंड हेड बेस ऑन एनर्जी इफिशियंसी यानी यहाँ पर आपको एनर्जी इफिशेंसी को पकड़ के रखना है इसका मतलब है कि कोई राज्य या सभी राज्य एनर्जी इफ़िशेंसी को ले उनके क्या क्या एक्शंस हैं इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इस पोर्टल पर रहेगी ठीक है यानी सारी एनर्जी इफ़ेंसी से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी रहेंगी इस पोर्टल पर इस पोर्टल पर रिजेंबल होंगी इससे गवर्नमेंट को क्या मिलेगा गवर्नमेंट को यहाँ पर रियल टाइम मॉनिटरिंग जैसी सुविधा प्राप्त होगी ठीक है रियल टाइम मॉनिटरिंग यदि हो पाएगी तो गवर्नमेंट के पास एक डेटा रहेगा कि यहाँ कितना खर्च बिजली का हो रहा है कितना यहाँ पर एनर्जी इफिशेंसी हो रही है कितना एनर्जी का लॉस हो रहा है और एक तरह से यहाँ पर स्टेट की यहाँ पर स्थिति भी पता चलेगी कि आप आप कितने इफ़िशियंट हैं एनर्जी को लेकर कितने इफिशियंट है ठीक है और ये इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है एनर्जी से संबंधित है पावर से संबंधित है तो यहाँ पे कौन सी मिनिस्ट्री रोल में होगी मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ़ पावर पहला पॉइंट पढ़िए इसकी शुरुआत पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा की गई इसकी शुरुआत पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा की गई ये तो बिल्कुल गलत है यहाँ पर रोल किसका है मिनिस्ट्री ऑफ पावर का है ठीक दूसरा पॉइंट पढ़िए यह राज्य स्तरीय ऊर्जा संरक्षण क्षेत्र हेतु राज्य मनोनीत एजेंसी एस के लिए एक पोर्टल है एस यानी स्टेट डेजिग्नेटेड एजेंसी तो इस पोर्टल पे क्या देखा जा रहा है स्टेट लेवल एक्टिविटीज़ तो देखी देखी जा रही हैं ठीक है, है? खासतौर से एनर्जी इफिशियंसी को लेकर जो स्टेट ज़्यादा इफिशियंट होगा यानी वो एनर्जी को कंजर्व कर रहा है इस तरीके की बातें हैं इसमें तो सेकेंड पॉइंट तो करेक्ट है यानी कि यहाँ पर केबल दो सही हो जाएगा ठीक आगे बढ़ें हेलिना एन रंध्रवास्त्र क्या है ये मिसाइल है आपको पता है ठीक है अलग अलग वर्जन में है यदि उसको नेवी यूज करेगी ठीक है नेवी यूज करेगी तो वो हैलिना है और एयर फोर्स यूज करेगी तो वो द्रभास्त्र है ठीक है मिसाइल एक ही है बस नाम अलग अलग हैं अलग अलग जगह यूज हो रही हैं और ये एंटी टैंक मिसाइल है तो यहाँ पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम ठीक है तो भी ऑप्शन हो गया इसका और मिसाइल की मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन कौन करता है डीआरडीओ ठीक है डीआरडीओ ने इसको बनाया है चलिए 84 देखिए एशिया आर्थिक वार्ता यानी एशिया इकोनॉमिक डायलॉग ए के बारे में हम लोग को यहाँ पर बताना है हाँ यहाँ पे एनर्जी इफिशियंसियों को हिंदी में ऊर्जा दक्षता बोलते हैं ठीक है अगर थोड़ा सा दिक्कत हो रही हो इंग्लिश में तो ऊर्जा दक्षता लिख लेना ठीक है ऊर्जा दक्षता चलिए एटी फोर देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ठीक है क्योंकि ये ये यहीं की यानी यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ये एक फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस है इसे दूसरे इंस्टीट्यूशन की मत समझ लेना जैसे सार्क और आसियान की आ, आसियान आ, जैसे यहाँ पर संस्थाओं को नीच समझ लेना ये वार्ता ठीक और ये जो डायलॉग हो रहा है एशिया आर्थिक जो डायलॉग है इसमें हो क्या रहा है भू आर्थिक सम्मेलन है ठीक है यानी जियो इकोनॉमिक्स कॉन्फ्रेंस की यहाँ पर चर्चा हुई होगी और जियो इकोनॉमिक्स अपने आप में बहुत बड़ा एक आ, एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है ठीक है और जो अपने आप में काफ़ी बड़ी समस्याओं को एड्रेस करता है तो पहला पॉइंट ठीक है इसका बिल्कुल करेक्ट है सेकेंड सेकंड पॉइंट पढ़िए इस वर्ष ए का पाँच संस्करण हुआ है संस्करण वाले ये कुछ बड़े डेंजरस हैं ठीक है अब इसमें कुछ किया नहीं जा सकता याद रखना है रटना है तो इसके दू, दूसरा पॉइंट भी इसका करेक्ट है तो एट्टी फोर का यहाँ पे सी हो गया दोनों हो गए ठीक चलिए एट्टी फाइव देखिए मार्च छः मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी वन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किए गए पूर्णतः महिला चालक दल द्वारा संचालित अपनी तरह के पहले मालवाहक जहाज यानी कार्गो जहाज की बात कर रहे हैं उसका नाम पूछा है इन्होंने ठीक है और पूरा महिला चालक द्वारा यानी यहाँ पे क्रू जो है क्रू जो है वो पूरी की पूरी मूवेन है ठीक है सारी महिलाएं हैं इस कार को सबको चलाने वाली और ईसाई नस yes का नाम क्या है ईसाई नस का नाम है आपको दिख रहा होगा नाम स्वर्ण कृष्णा ठीक है स्वर्ण कृष्णा और यहाँ पर सारे यहाँ पे क्रू मेंबर कौन दिख रहे हैं महिलाएं दिख रही हैं सारी की सारी महिलाएं दिख रही हैं ठीक दिखने में तो मेल मेंबर भी दिख रहे हैं बट यहाँ पे ये इशू नहीं है कौन दिख रहा है कौन नहीं दिख रहा है यहाँ पे हम लोग को ये जानना है कि ये जो स्वर्ण कृष्णा जो है इनसे उसको ऑपरेशन यानी उसको ऑपरेट कौन कर रहा सारी है सारी महिलाएं ठीक है ठीक है आगे बढ़ें ये देखिए ये ये हेलेना वैसे कई बार देख चुके हैं हम लोग ये हेलेना मिसाइल है और ऐसे ही यहाँ पे यदि द्रवास्त्र लिख दें तो ये द्रवास्त हो जाएगी ठीक चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया एम टी कृष्णा ठीक है एम टी कृष्णा और ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ जब सारी की सारी महिला अधिकारी जो है वो किसी कारगोसक को ऑपरेट कर रही हैं चला रही हैं ठीक है महिला से याद है क्या महिला दिवस कब होता है महिला दिवस आठ मार्च को होता है ठीक चलिए टी सी देखिए वो जोसा उस्मानी सद रीहू ने हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में कारोबार संभाला और ये महिला हैं ठीक है थीके? ये फीमेल है पहली चीज़ दूसरी चीज़ है कि इन्होंने बहुत कम उम्र में बहुत कम उम्र में ये पद इस पद को संभाला है इनकी एज थर्टी एट ईयर से मात्र और एक कोसोबो कोसोवो देश की प्रेसिडेंट बनी हुई है कोसोवो कहाँ पे कंट्री जान रहे हैं चलिए दिखा देते हैं मैप पे देखिए ये देखिए ये कोसोवो कैपिटल क्या है प्रिस्टीना ठीक है माउंटी नगरो अल्बेनिया नॉर्थ मैसीटोनिया यहाँ पे अड्डिया सी इटली के पास में जाओगे तो आपको दिख जाएगा इटली के राइट में देखना तो आपको दिखेगा ठीक है और एक कैसा आपको देश दिख रहा है लैंड लॉक्ड कंट्री है ठीक है भूवाफद देश है तो मैपिंग से यहाँ पर एक फैक्टर निकल गया है लैंड लॉकड भी हम लोगों ने सीख लिया 87 सेवन देखिए एटी सेवन इंपॉर्टेंट है निम्नलिखित में से कौन अप्रैल 21 में भारत के अड़सठवें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने यहाँ पे चेस चेस ग्रैंड मास्टर की बात हो रही है विश्वनाथन विसुन, आनंद के बारे में आप लोग जानते होंगे वो पहले क्या थे वो सबसे पहले ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया थे ठीक है विश्वनाथन आनंद ठीक और यहाँ पर अड़सठवें पूछा है ठीक है मतलब अड़सठ और हो चुके हैं इनको जो यहाँ पे ये अवार्ड दिया गया था यहाँ पे ये जो जो दर्जा दिया गया था फर्स्ट ग्रैंड मास्टर का तो ये आज का थोड़ी ना है ये बहुत पुराना है उन्नीस का है ठीक है और अभी अड़सठवां जो है वो अभी इनको मिला है अर्जुन कल्याण को ये ग्रैंड मास्टर बने ये दर्जा इनको मिला है ये हैं अर्जुन कल्याण साहब ठीक है अर्जुन कन्याण कल्याण और चेस से संबंधित यहाँ पे गवर्निंग बॉडी कौन सी है वर्ल्ड चेस फेडरेशन ठीक है वर्ल्ड चेस फेडरेशन इसका हेड क्वार्टर कहाँ है स्विट्जरलैंड में ठीक है स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड वर्ल्ड चेस फेडरेशन ठीक है चलिए वापस क्वेश्चन पर चलते हैं एटी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये तो हम लोगों ने अभी शायद चालीस से अस्सी जब क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे तब हम लोगों ने किया था इस क्वेश्चन को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब होता है ये आठ मई को होता है ठीक है आठ मई को ठीक है तो ये तो गलत मैच है यहाँ पर सात मई लिखा है यहाँ पे आठ मई होना चाहिए था ठीक यहाँ पे तंबाकू निषेध दिवस यानी एंटी तंबाकू डे हम लोग हमेशा पढ़ते हैं थर्टी फर्स्ट मई लास्ट में सी ऑप्शन देखिए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी कब पढ़ते हैं हम लोग बाईस मई को पढ़ते हैं ठीक है इन्वायरमेंट से रिलेटेड बाईस तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग हमेशा पढ़ते रहते हैं बाईस मार्च है ना बाईस अप्रैल और बाईस मई बाईस मार्च को क्या होता था जल दिवस बाईस अप्रैल को पृथ्वी दिवस और बाईस मई को जो अभी क्वेश्चन में लिखा हुआ है बायोडाइवर्सिटी डे तो यहाँ पता दो में लिखा है ना तो ये तो गलत हो गया यानी ये भी गलत है ए ऑप्शन गलत है सी ऑप्शन भी गलत है और बी ऑप्शन भी गलत है क्योंकि नर्स दिवस जो होता है वो बारह मई को होता है ठीक है बारह मई को यानी केवल डी जो है वो सही मैच है बाकी सारे गलत हैं यहाँ पे सही मैच हम लोगों को बताना था तो आंसर डी हो गया ठीक आगे बढ़ें चलिए एटी नाइन देखिए रघुनाथ महापात्र जिनका हाल ही में निधन हो गया एक प्रसिद्ध मतलब यहाँ पे इनकी फील्ड पूछी है ठीक है फील्ड इंपॉर्टेंट होती है हमेशा यानी जिंदगी भर ये किस फील्ड से जुड़े रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इनका प्रोफेशन एक नहीं था ये काफ़ी फील्डों से जुड़े हुए थे पहली बात ये राज्यसभा के मेंबर थे ठीक है यानी ये एमपी तो थे ही पहली चीज़ यानी राजनेता थे दूसरा इनका जो जो ओरिजिनल प्रोफेशन था वो आर्किटेक्ट का था ठीक है ये आर्किटेक्ट थे वास्तुकार थे आर्किटेक्ट होने के नाते होने के वजह से ये हेरीटेज में हेरीटेज से बड़ी बड़े लगाव रखते थे ठीक है बड़ा लगाव रखते थे इसलिए इनका काम हेरिटेज से संबंधित यदि बात करें तो यहाँ पे उन्होंने काफ़ी मोनोमेंट्स को काफ़ी मोनूमेंट्स को यहाँ पे रिस्टोर किया है ठीक है रिस्टोर किया है यहाँ पे रिस्टोर लिख दे रहा हूँ री स्टोर ठीक है और मोनोमेंट्स को उन्होंने री स्टोर रिपेयर इसलिए कर पाए क्योंकि आर्किटेक्ट के साथ एम के साथ उनके पास एक और खूबी थी वो है इस्कलप्टर ठीक है यानी ये मूर्तिकार भी थे साथ में तो यहाँ पे आंसर कौन सा दिख रहा है आपको मूर्तिकार का इनके इन्हीं सब बेहतरीन काम की वजह से इनको राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया था ठीक है तो राज्यसभा में ही एम पी थे यानी राजनेता वो सबसे अंतिम दौर में बने नब्बे क्वेश्चन कीजिए आठ मई दो हज़ार इक्कीस को दो हज़ार इक्कीस को भारतीय भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किसके द्वारा की गई यानी इंडिया की यूरोपियन यूनियन के लीडर्स के साथ मीटिंग हुई है ये इस तारीख में हुई है और होस्ट किसने की है पूछा है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है ना क्योंकि यू ने यूरोपियन यूनियन ने फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम यहाँ पर इंडिया के साथ ऐसी मीटिंग को कंडक्ट किया है इसलिए इम्पोर्टेंट है और इस जो होस्ट किया है यानी मेजबानी जो की है वो पुर्तगाल ने की थी ठीक पुर्तगाल की कैपिटल बताएंगे लिस्बन ठीक है लिस्बन चलिए नाइन्टी वन देखिए माई ट्वेंटी वन में जनजातीय कार्य मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने साइन किया है एक मेमोरेंडम किसके साथ वही तो पूछा है किसके साथ लेकिन किसके लिए किया है यहाँ पर जनजा जनजातीय विद्यालयों के डिजिटल रूपांतरण के लिए ठीक है तो इस तरह का एग्रीमेंट तो बहुत अच्छा है डिजिट डिजिटलाइजेशन हो रहा है ट्राइबल्स स्कूल का तो अच्छी बात है तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं था ये तो खुद अपने हैंड पे गवर्नमेंट ही कर सकती थी ये मिनिस्ट्री अपने यहाँ पर मिनिस्ट्री कैपेबल थी ये सब करने को माइक्रोसॉफ्ट की जरूरत यहाँ पे क्या पड़ी थी लेने की जरूरत कोई खास तो नहीं थी लेकिन यहाँ पे इंडियन मिनिस्ट्री का जो ट्रांसफॉर्मेशन करने का तरीका होगा और माइक्रोसॉफ्ट जो ट्रांसफॉर्मेशन करेगा इसमें जनी जमीन आसमान का फर्क रहेगा ना तो यहाँ पे आंसर माइक्रोसॉफ्ट के साथ यहाँ पे यहाँ पे हुआ है ठीक है एग्रीमेंट हुआ है और ख़ासतौर से जो जनजातीय है, विद्यालय हैं वो वो कौन कौन से हैं कौन से हैं आश्रम स्कूल ठीक है आश्रम स्कूल के नाम से आप लोगों ने सुना होगा ठीक है और आपने एक के नाम से सुना होगा एक लभ्य रेजिडेंशियल स्कूल जो होते हैं विद्या आवासीय विद्यालय जो होते हैं एकलव्य तो इन सब का डिजिटल डिजिटलीकरण होना है ठीक है और यहाँ पे हाई डिग्री ऑफ डिजिटल डिजिटलाइजेशन हो रहा है ऐसा नहीं है सिर्फ कंप्यूटर और यहाँ पर टच स्क्रीन और प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट वगैरह यूज़ कर रहा है स्मार्ट बोर्डों का यूज़ हो रहा है ये तो अब बेसिक चीज़ें हो गई ठीक है डिजिटल खासतौर से अगर विद्यालय में डिजिटलाइजेशन कर रहा हो तो ये तो बेसिक चीज़ें है। तो चीज़े हैं तो इन बेसिक चीज़ों को करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट की जरूरत नहीं है अगर माइक्रोसॉफ्ट अगर यहाँ पर एंटर हुआ है इसका मतलब है कि यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली बात हो रही है ठीक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस पे काम करेगा ये वाला मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट किसके लिए इनके लिए जनजातीय विद्यालयों के लिए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप में एक हाईटेक टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आपने एक मूवी जरूर देखी होगी बिल साहब की हाँ बिल बिल स्मिथ बिल स्मित समझ रहे हैं ना जानते होंगे हॉलीवुड की मूवी देखते होंगे बिल स्मिथ साहब की एक मूवी थी शायद आई करके रोबोट आई करके शायद एक मूवी है इसमें बेहतरीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिखाया है एग्जाम के बाद समय मिले तो देखना ठीक है जरूर वैसे हो सकता देखे है देखें हूँ आप लोग क्योंकि पुरानी मूवी है चलिए आगे करते हैं नाइन्टी टू देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश 2016 से 20 तक की अवधि में भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्ति करता रहा है यानी भारत को सप्लाई किसने किया है इस टाइम इस टाइम के दौरान ठीक है तो इस टाइम में सबसे बड़ा सप्लायर इंडिया के लिए रसिया रहा है ठीक है रूस रहा है हम लोग रूस से लेते हैं ठीक है और यानी रूस हमें देता है और हम लोग किसको फिर भेज देते हैं म्यांमार को दे देते हैं थोड़ा वह श्रीलंका को भेज देते हैं मॉरिसस को भेज देते हैं जो छोटी छोटी सी कंट्रीज हैं और जो खासतौर से पड़ोसी कंट्री हैं तो so इसी तरह इम्पोर्ट एक्सपोर्ट चलता रहता है व्यापार चलते रहते हैं घाटी मुनाफे की तो रेस लगी हुई है ना अगर ओवरऑल पूछे दो से दो में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर यानी सप्लायर कौन था पूरी दुनिया के लिए सप्लायर कौन था तो फिर वो यू हो जाएगा ठीक है याद रखना क्योंकि यहाँ पर इंडिया के लिए पूछ रहा है इस टाइम के दौरान तो इंडिया के लिए रूस था ओवरऑल में यू और सबसे बड़ा रिसिपियट कौन था यानी पाने वाला या फिर इम्पोर्टर बोल दो सर सबसे बड़ा इम्पोर्टर कौन था सऊदी अरेबिया ठीक है सऊदी अरब सऊदी अरब ने सबसे ज़्यादा यहाँ पर आर्म्स वगैरह जो हैं वो परचेज किए हैं नाइन्टी थ्री देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है, है यहाँ पर प्रिटजगर प्रिट्जगर प्राइस जो है वो किस फील्ड में दिया जाता है इसको पुलितजर मत समझ लेना पुलितजर अलग है ठीक है और प्रिटकर अलग है ये आर्किटेक्चर में दिया जाता है ठीक है आर्किटेक्ट की जो फील्ड फील्ड है वास्तुकला की इसमें दिया जाता है और वो जो पुलजकर है वो तो लिटरेचर में दिया जाता है ठीक ये गणित का नोबेल ही बोलते हैं इसे ठीक है नोबेल प्राइज़ ऑफ नोबेल नोबेल ऑफ मैथमेटिक्स ठीक है गणित का नोबेल बोलते हैं इसे प्रजकर को नाइन्टी फोर देखिए पच्चीस मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी वन को ग्लोबल विंड रिपोर्ट का कर कौन सा संस्करण प्रकाशित किया गया है ठीक है संस्करण तो हम लोग देख ही लेंगे बाकी इसमें कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं ग्लोबल विंड रिपोर्ट में क्या क्या मतलब डेटा कौन कौन से आए हैं दुनिया के सामने विंड एनर्जी को लेके ग्लोबल लेवल पे क्या टारगेट्स हैं कितना अचीव हुआ है और अभी नीड कितनी है क्योंकि बिंड जानते हैं ये अनकन्वेंशनल रिसोर्स है एनर्जी का तो इम्पोर्टेंट है ठीक है कन्वेंशनल तो है नहीं और इंटरनेशनल लेवल पर सारा जो जोर है वो किस पे हो रहा है अनकन्वेंशनल रिसोर्स पर हो रहा है सस्टेनेबिलिटी चाहिए है, तो फिर इस पर हम लोगों को शिफ्ट होना पड़ेगा कन्वेंशनल से अनकन्वेंशनल पे शिफ्ट होना पड़ेगा ख़ुद से शिफ्ट नहीं होंगे तो फिर नेचर फोर्सफुली शिफ्ट करा देगी क्योंकि आज नहीं तो कल तो ख़त्म हो ही जाएंगे ना ये रिसोर्सेज कन्वेंशनल रिसोर्सेज तो खत्म हो ही जाएंगे तो फोर्सफुली शिफ्ट होना पड़ेगा तो नेचर फोर्सफुली शिफ्ट ना करे उससे पहले हम खुद से हो जाएँ तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि नेचर फोर्सफुली करेगी तो फिर वो साथ में तबाही भी करेगी आइए तो इस रिपोर्ट के बारे में देख लेते हैं क्या क्या रिपोर्ट्स डेटा सामने आया देखिए ये रिपोर्ट अभी 2020 में दो हज़ार बीस का इन्होंने डेटा दिया है दो हज़ार बीस में दो हज़ार बीस के लिए डेटा ये है जो है फिफ्टी थ्री परसेंट का यहाँ पर जंप है विंड एनर्जी में ठीक है ये डेटा किसी एक कंट्री का नहीं है ठीक है ग्लोबल लेवल पर है पूरी दुनिया ने फिफ्टी थ्री परसेंट का यहाँ पर इंक्रीमेंट किया है दो हज़ार बीस में यानी विंड एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है ठीक है उसमें फिफ्टी थ्री परसेंट का उछाल है अगर हम मेगावाट की बात करें तो ये फिफ्टी थ्री परसेंट जो है वो नाइन्टी थ्री गीगा है ठीक है नाइन्टी थ्री गीगावाट 2020 में जनरेट की गई पूरी दुनिया के द्वारा विंड एनर्जी ठीक है विंड एनर्जी के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है वो 93 थ्री गीगा हुई है लेकिन टारगेट तो है वन एट्टी का टारगेट वन एट्टी गीगा का है ये कौन सा टारगेट है पर ईयर का है हर साल में कम से कम इतना एनर्जी तो जनरेट होना चाहिए इतना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना चाहिए विंड एनर्जी से लेकिन अचीव कितना हुआ है नाइन्टी तो अभी तो हम लोग बहुत पीछे हैं हम लोग मतलब पूरी दुनिया ही पीछे है सभी देशों को विंड एनर्जी पे काम करना पड़ेगा इंस्टॉल करना पड़ेगा टर्मा इंस्टॉल करना पड़ेगा तो यहाँ पे हर फैक्ट इंपॉर्टेंट है ठीक है, है ये भी इम्पॉर्टेंट है और वन एट्टी पर ईयर का जो लक्ष्य है ये भी इम्पॉर्टेंट है जब हम वन एट्टी पर ईयर जनरेट करेंगे तब जाके दो में जो हम लोग हम लोग यानी दु, पूरी दुनिया जो लिए बैठी है टारगेट नेट ज़ीरो का नेट जीरो एमिशन का वो तब अचीव हो पाएगा ठीक है जब वन एट्टी जनरेट करेंगे तो ये दो का नेट जीरो इमिशन का टारगेट भी याद रखना ठीक है थीके? दो तक का है ऑप्शन में दो लिख देगा पैतालीस लिख देगा पचपन लिख देगा क्वेश्चन नंबर नाइनटी सॉरी हाँ नाइन्टी देखिए पच्चीस मार्च ट्वेंटी को ग्लोबल विंड रिपोर्ट ग्लोबल विंड रिपोर्ट का कौन सा संस्करण प्रकाशित किया गया देखो संस्करण तो हम तो लोग एडिशन तो देख ही लेंगे बाकी इसमें देख लेते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या क्या डेटा आए हैं दुनिया के सामने क्योंकि विंडा आप जानते हैं कि ये कन्वेंशनल रिसोर्स तो है नहीं अनकन्वेंशनल रिसोर्स है ठीक है और इस पूरी आ, पूरा इंटरनेशनल जो एक है, जगत है वो इसी पे फोर्स कर रहा है आजकल क्योंकि सस्टेनेबिलिटी चाहिए सस्टेनेबिलिटी तो तभी आएगी ना जब हम लोग शिफ्ट होंगे कन्वेंशनल से अनकन्वेंशनल रिसोर्स पर शिफ्ट होंगे तभी तो सस्टेनेबिलिटी ला पाएंगे तो नेचर फोर्सफुली शिफ्ट करें हम लोगों को उससे पहले खुद से शिफ्ट हो जाए कन्वेंशनल से अनकन्वेंशनल पर तो वो ज़्यादा बेटर है क्योंकि नेचर अगर फोर्सफुली करेगी तो वो साथ में फिर तबाही भी करेगी और वैसे भी कन्वेंशनल रिसोर्स चलेंगे कब तक ये कोई अनलिमिटेड थोड़ी ना है लिमिटेड हैं तो हम लोगों को यहाँ पर सेफ्ट होना ही पड़ेगा पूरी दुनिया को सेफ्ट होना पड़ेगा एक तरह से बिंड क्या है यहाँ पे क्या काम क्लिन एनर्जी का काम का हो रहा है ठीक है क्लीन एनर्जी का ये कौन सा गिल गोल है एस डी जी में ठीक है देखना देखो यहाँ पे काम आया ना ऐसे ऐसे लिंक करके लिखा करो मैं इसमें तो फिर मज़ा आ जाएगा बट वही बात है ना कि उस टाइम पे वहाँ पे याद नहीं आता है और याद तब आता है जब राइटिंग प्रैक्टिस रहती है तभी याद आता है नहीं तो पढ़े तो रहते हैं लेकिन वहाँ पर इंस्टेंट याद नहीं आता है तो एक राइटिंग प्रैक्टिस करने वाले में और नई प्रैक्टिस करने वाले में यही फ़र्क आ जाता है पढ़ते दोनों लोग हैं लेकिन उसने प्रैक्टिस ज़्यादा की है इसलिए उसे याद आ गया उसने पॉइंट वो अपनी कॉपी में लिख दिया तो उसे दो नंबर ज़्यादा मिल गए और यही दो नंबर दो नंबर दो नंबर बाद में जाके पूरा ओवरऑल पचास साठ नंबर का इंक्रीमेंट कर देता है और उसी में रैंक का फिर उलटफेर हो जाता है कोई नायब तहसीलदार पाता है तो कोई एच डी एम पा जाता है चलिए इस रिपोर्ट में देख लेते हैं ये रिपोर्ट में क्या क्या बताया गया है देखो यहाँ पे इन्होंने 2020 का डेटा दिया पहली बात तो 2020 में इन्होंने बताया कि पूरी दुनिया ने जो विंड एनर्जी का यहाँ पर जनरेट किया है इलेक्ट्रिसिटी विंड एनर्जी से एक्चुअली कर क्या रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं ना तो यहाँ पे फिफ्टी थ्री परसेंट का जंप है दो हज़ार बीस में तो ये तो प्लस पॉइंट है है ना ये तो नेचर के लिए प्लस पॉइंट है हम लोगों के लिए भी प्लस पॉइंट है तो ये तो परसेंटेज वाइज हो गया यदि हम अब इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है तो गीगा में बात करेंगे तो ज़्यादा बेटर है ना तो ये फिफ्टी जो है वो गीगा गीगा में यदि लिखें तो वो नाइन्टी गीगावाट है ठीक है नाइन्टी थ्री गीगा दो हज़ार बीस में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया गया ठीक है विंड एनर्जी से पूरी ग्लोबल लेवल पे है ये किसी एक देश का नहीं है तो ये फैक्ट भी याद रखना है कि दो हज़ार बीस में कितनी विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की गई तो नाइन्टी थ्री गीगा आपको वहाँ पर लगा देना है ठीक है लेकिन टारगेट कितना है हर साल का दो हज़ार बीस में तो इतना जनरेट हुआ लेकिन हर साल का जो ग्लोबल लेवल पर टारगेट लिए बैठे हैं पूरी दुनिया वाले वो टारगेट कितने का है वो 180 गीगावाट का है ठीक है वन एट्टी गीगावाट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है वाया विंड एनर्जी ये सिर्फ विंड एनर्जी का टारगेट है ठीक है विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाने का टारगेट है वन एट्टी गीगा पर ईयर का ठीक है पर ईयर का लेकिन जनरेट तो नाइनटी थ्री गीगावाट हो रहा है यानी अभी हम लोग बहुत पीछे हैं हम लोग का मतलब मैं हम लोग बोल रहा हूँ तो इंडिया में समझ लेना ठीक जनरेट नाइन्टी थ्री हो रही और पर ईयर चाहिए वन एट्टी गीगा तो बहुत पीछे है ना टारगेट तो अभी बहुत काम करना है तो यहाँ पर ये फैक्ट भी आपको याद रखना है ठीक तीसरा फैक्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि जब हर साल 180 गीगावाट जनरेट करेंगे तभी 2050 तक का जो टारगेट लिए बैठे हैं नेट जीरो बनने का नेट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नेट जीरो एमिशन नेट जीरो एमिशन का जो टारगेट है कार्बन नेट जीरो एमिशन जो है ना वो टारगेट दो तक का है जीरो करने का तो तभी तो आ पाएगा जब वन एट्टी हम लोग विंडा एनर्जी से जो टारगेट है वो दिए गए जो उस पर काम करें तो ये 2050 तक का जो नेट जीरो टारगेट है ये भी याद रखना है मतलब 2050 याद रखना है ठीक अगर यहाँ पे इंडिया की स्थिति देखें तो इंडिया के पास जो अभी कैपेसिटी है विंड पावर से जो कैपेसिटी है वो 38 एट गीगा वाट है ठीक है ये इंडिया का डेटा है तो ये भी इम्पॉर्टेंट है यदि पूछे कि इंडिया के पास विंड एनर्जी से कितनी एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो थर्टी एट लगा देना क्लियर और ये कोई पर ईयर की नहीं है ये टोटल इंस्टॉल्ड इंस्टॉल्ड विंड पावर है ठीक है थर्टी एट मतलब अभी हम लोग जो जनरेट करते हैं विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी वो थर्टी एट गीगा वाट ही कर पा रहे हैं ठीक है यहाँ पे और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे आपको चाइना भी याद रखना है और साथ में यू एस ए भी याद करना है जिसके पास सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट इंस्टॉलर हैं ठीक है लार्जेस्ट इंस्टॉलर हैं विंड पावर के इसको लार्जेस्ट इंस्टॉलर याद रखना ये सबसे ज़्यादा जो विंड पावर का इन्फ्रा जो यहाँ सबसे बड़ा है वही चाइना और यूएस का है इंडिया की स्थिति फोर्थ पोजीशन पे आती है ठीक है हम लोग चौथे स्थान पे हैं विंड पावर से इलेक्ट्रिसिटी जन जनरेट करने में चौथी बात है कि इस रिपोर्ट को ग्लोबल विंड रिपोर्ट को रिलीज कौन करता है तो ये आपको इंस्टीट्यूट भी याद रखना मैं जूम कर दे रहा हूँ और वो, वो इंस्टीट्यूट कौन है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल यानी हिंदी में क्या पढ़ेंगे इसको वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद ठीक ठीक है तो इस इंस्टीट्यूट का भी याद रखना जो रिलीज करती है रिपोर्ट इसकी स्थापना ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है ठीक बस इतना जानना है कि ये विंड एनर्जी का जो सेक्टर है उसके लिए काम करती है ये काउंसिल यानी विंड एनर्जी का जो सेक्टर है उसको रिप्रेजेंट करता है इसका हेड क्वार्टर इंपॉर्टेंट है हेड क्वार्टर जाने रही है इसका हेड क्वार्टर ब्रूसल्स में है ठीक है ब्रूसल्स में ब्रूसल्स का है बताएंगे बेल्जियम में ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा था इस रिपोर्ट के बारे में और इस इंस्टीट्यूट के बारे में तो इतनी बातें हम लोग को याद रखना है चूँकि विंड ये विंड एनर्जी है ठीक है तो ये ये क्लीन एनर्जी की बात हो रही है एक्चुअली ठीक है क्लीन एनर्जी और एच सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट में क्लीन एनर्जी का कौन सा गोल है बताइएगा ठीक है देखते रहना मेंस में काम आएंगे देखो इस तरह के पॉइंट लिखोगे तभी तो हर क्वेश्चन में आधा एक नंबर ज़्यादा पाओगे और ओवरऑल फिर हर सब्जेक्ट में पंद्रह से बीस नंबर का डिफरेंस आ जाएगा तो इसी से तो फिर पोस्ट में उलटफेर हो जाता है कोई एस पा जाता है तो कोई नायब तो रिश्तेदारी पा पाता है ठीक है चलिए नाइन्टी देखिए मैं इसको इरेज कर लूँ थोड़ा सा डेटा तो आपने लिख लिया होगा नाइन्टी फाइव में विथ वर्स फाइनेंशियल ईयर ट्वेंट दो हज़ार उन्नीस और बीस की तुलना में दो हज़ार बीस इक्कीस में कृषि नहीं रह जाती यानी एग्रो प्रोडक्ट्स का जो एक्सपोर्ट हुआ है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है तो ये तो अच्छी बात है यदि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं तो ये किसानों के लिए प्लस पॉइंट है गवर्नमेंट के लिए प्लस पॉइंट है लेकिन ये प्लस पॉइंट तब है जब यहाँ पे भुखमरी जीरो हो जाए है ना इंडिया इंडिया की भुखमरी में इंडेक्स वैसे भी चौपट है खैर ये सब निबंध के मुद्दे हैं ऐसे के मुद्दे हैं वो बाद में डिस्कस किया जाएगा ऐसे वगैरह आप लोग पढ़ते होंगे तो ये सब उसमें डालेंगे पॉइंट्स ठीक है तो यहाँ पर जो इंक्रीमेंट हुआ है वो थर्टी परसेंट का हुआ है इंपॉर्टेंट पॉइंट है ठीक है थर्टी परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है एक्सपोर्ट में ठीक है एक्सपोर्ट में और एग, एग्रो प्रोडक्ट जो हैं उनके एक्सपोर्ट से संबंधित कौन सी बॉडी काम करती है एपिडा ठीक है एपिडा एपिडा यानी एग्रीकल्चर एग्रीकल्चरल एंड एपेड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी मैं लिख दे रहा हूँ ठीक है ये देखिए एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ठीक है याद रखना ये जो इंस्टीट्यूट है ये एक्सपोर्ट के लिए काम करती है और कौन एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट जो हो रहा है वो किस प्रोडक्ट का एग्रो प्रोडक्ट का ये प्रोसेस फूड समझते हैं ना प्रोसेस फूड का मतलब जैसे गेहूँ से आपने ब्रेड बना ली तो ये प्रोसेस हो गया ठीक है प्रोसेस फूड हो गया या फिर आलू से चिप्स बना ली तो वो प्रोसेस्ड फूड में आ जाएगा नाइन्टी सिक्स देखिए भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की नहर आधारित पेयजल परियोजना यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट की बात हो रही है ठीक है हेतु वर्ल्ड बैंक और ए डबल आई वी ने तीन सौ मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है ठीक है तो यहाँ पे दो इंस्टीट्यूट का नाम लिया गया वर्ल्ड बैंक का और ए डबल आई वी वर्ल्ड बैंक यानी आई वी आर डी आई वी आर डी और आई वी आई आई एस ए ठीक है अरे सॉरी आई डी आई एस नहीं आई डी है ठीक है ये मेन वर्ल्ड बैंक की दो मुख शखाएँ जो काम करती हैं और नॉर्मली यही वर्ल्ड बैंक है वैसे और भी ऑर्गन है वर्ल्ड बैंक के तो ये जो तीन सौ मिलियन डॉलर लिखा है तो आई बी आर डी ने यहाँ पर डेढ़ सौ मिलियन डॉलर दिया है ठीक है हेल्प करेगा और ए डबल आई बी इसने भी डेढ़ सौ मिलियन डॉलर यहाँ पर हेल्प किया है सॉरी डेढ़ सौ नहीं एक सौ पाँच ठीक है एक सौ पाँच मिलियन डॉलर ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है बस मैं बता रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है मतलब लगभग इन्होंने आधा आधा दे दिया एक मिलियन डॉलर वर्ल्ड बैंक ने और एक मिलियन डॉलर ए डबल आई वी ने और बाकी जो बचा नब्बे डॉलर नब्बे डॉलर वो दिया है खुद पंजाब सरकार ने ठीक है क्योंकि एक इन्हीं के यहाँ काम भी हो रहा है ना पंजाब गवर्नमेंट ने तो यहाँ पे आंसर तो पंजाब हो गया पंजाब में जो ड्रिंकिंग वाटर की जो प्रॉब्लम है उसके लिए हेल्प करने वाले हैं वर्ल्ड बैंक और ए डबल आई वी ठीक क्लियर है ए डबल आई वी की बात हुई है तो इसका हेडकोटर कहाँ है ए डबल आई वी समझ रहे हैं ना एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और इसका हेडकोार्टर बीजिंग में है ठीक है बीजिंग में तो याद रखना आंसर पंजाब है चलिए आगे करिए नाइन्टी सेवन देखिए यहाँ पे ये मार्स मिशन है आपको ये ये जो क्वेश्चन है चार क्वेश्चन की तरह पढ़ना है ठीक है सेपरेटली चार क्वेश्चन की तरह पढ़ना है यानी ए बी सी डी जो लिखा है आपको पता चल गया सारे के सारे मार्स मिशन है सिंपल सा यही पूछ लेता है ना कि बर्जी वेरेंस जो मिशन है वो किस ग्रह के लिए है तो उसमें चार्ट ऑप्शन दे देगा मून डाल देगा मार्स दे देगा जुपिटर दे देगा और दे देगा कोई तो ये भी तो एक फैक्ट है तो पर्जीवेरेंस जो है पहली बात तो वो यू का है ठीक है यानी नासा का है और दूसरा फैक्ट क्या है ये मार्स मिशन है होप के बारे में हम लोग पढ़े हैं कई बार हम लोगों ने इसका फिगर भी देखा है होप किस है ये यू का है ठीक है यू का लोग इतने बढ़िया बढ़िया नाम है पर्जीवेरेंस होप पर्जीवेरेंस समझते हैं लगन अब तो आप लोग बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये पर्जी बहुत ज़रूरी है आपकी तैयारी में ठीक है और होप भी बहुत ज़रूरी है ये दोनों चीज़ें रहेंगी तभी जाके क्या बनेंगे एस बनेंगे ठीक है डी एस पी बनेंगे डी पी तो इसको कभी मत भूलना पर्जी बैलेंस लगन से मेहनत करते रहना आज दवा के कहने का मतलब है करिए तो कायदे से करिए नहीं तो तमाम तरीके हैं और भी ठीक है करने को बहुत कुछ है ये देखिए ये मार्च मार्स देख रहा है मार्स के लिए पर्जी बैलेंस ठीक है और किसका है नासक है यानी यूएसए का देखा हमने ठीक है बाकी देखिए यू ए का हम लोगों ने होप पढ़ के रखा है ये भी मार्स मिशन है ठीक है मार्स मिशन और क्या है ये चाइनाज फर्स्ट मार्स मिशन तियानवेन वन इसके बारे में भी याद रखना ये तो नाम से ही समझ में आ जाता है कि चाइना का है ठीक है तो इसमें कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं बस तो ये याद रखना है कि ये मार्स मिशन है ठीक है मार्स मिशन मून मत समझ लेना क्योंकि गलती यही हो सकती है ठीक है तो तियन बिन वन चाइना का लगा दें और मार्स ए मॉम ये तो अपना ही है मार्स ऑर्बिटर मिशन ये इंडिया का है तो इसका कोड क्या बन गया है पर्जी भर सी यू का लगा दें तो ए का टू हो गया और बी का थ्री हो गया सी का फोर हो गया और डी का वन हो गया यानी तेईस इकतालीस हम लोगों का कोड बन गया डी ऑप्शन हो गया इसका ठीक आगे बढ़ें चलिए नाइन्टी एट देखें लासी लासी यहाँ पे क्या है एक एक सर्वे है पहली चीज़ राष्ट्रीय सर्वेक्षण राष्ट्रीय सर्वे नेशनल सर्वे किसका सर्वे है यहाँ लिखा है स्वास्थ्य आर्थिक और सामाजिक इंडिकेटर्स जो हैं वृद्ध होती जनसंख्या के परिणामों का अन्वेषण इन्होंने मतलब लासी के बारे में बता दिया तो एक पॉइंट तो हम लोग को याद ही रखना है कि लासी एक सर्वे है ठीक है पहला पॉइंट और दूसरा सर्वे किस चीज़ का कर रहा है इस चीज़ का कर रहा है बस ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे लासी का फुल फॉर्म देखिए लासी यानी लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग स्टडी इन इंडिया देखो ये स्टडी है सर्वेक्षण है ना एक स्टडी है स्टडी किसकी है लॉन्गी एजिंग की यानी वृद्ध होती जनसंख्या की ठीक है और ये सब स्टडी करना बहुत जरूरी है ना नहीं तो फिर चाइना वाली जापान वाली स्थिति हो जाएगी जहाँ पर वृद्धों की संख्या बहुत ज़्यादा है तो अभी इंडिया में ऐसी स्थिति है नहीं यहाँ तो यूथ ज़्यादा है तो वो स्थिति ना आए उससे पहले ही हम लोग यहाँ पर क्या है कमर कस लिए गवर्नमेंट ने तो सही है गवर्नमेंट जब गवर्नमेंट के सामने इन सब का स्टडी रहेगा और डेटा रहेगा तभी तो वो काम कर पाएगी पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट कर पाएगी जब पता चला कुल गुडो ही हो गए हैं देश के अंदर और तब फिर पॉलिसी बनाने का क्या मतलब है यानी हमारे गवर्नमेंट की प्रिपेरनेस जो है वो पहले की जा रही है ठीक है तो ये प्लस पॉइंट है अच्छा है और ये स्वास्थ्य और एक तरह से यहाँ पे क्या है ये सोशल इंडिकेटर के बारे में बताना चाह रहा है तो यहाँ पे हेल्थ की बात हो रही है तो इस यहाँ पे कौन सी मिनिस्ट्री का रोल होगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ठीक है ये मिनिस्ट्री का नाम याद रखना और ये जो सर्वे है ना वो हर तीन साल में किया जाता है हर तीन साल में किया जाता है अगले पच्चीस साल के लिए ठीक है अगले पच्चीस पच्चीस साल के लिए ठीक इतना इतना बहुत है बहुत ज़्यादा और इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है बस एक पॉइंट एक पॉइंट और जान लीजिए क्योंकि यहाँ पे एजिंग स्टडी की बात हो रही है तो एज वाला तो हम लोग यहाँ पे फैक्टर जान लेना चाहिए यहाँ पे सिक्सटी प्लस की जो पॉपुलेशन है 2050 में कितनी हो जाएगी ऐसा ऐसा सर्वे बोलता है 2050 में इसकी जो संख्या पहुँच जाएगी वो पहुँच जाएगी लगभग इकत्तीस करोड़ ठीक है इकतीस करोड़ यानी तीन सौ उन्नीस मिलियन तो अभी कितनी है दो हज़ार ग्यारह के सेंसस में यदि देखेंगे तो आपको साठ से प्लस जो पॉपुलेशन है वो टेन पॉइंट थ्री करोड़ दिखेगी ठीक है अब देखिए कितना डिफरेंस आ जाएगा लगभग तीन गुना दो हज़ार पचास में तीन गुना हो जाएगा अभी दो हज़ार इक्कीस है ना दो हज़ार पचास में यानी तीस साल बाद तीस साल बाद बत्तीस करोड़ लगभग यानी हर दस साल पर दस करोड़ बढ़ रहे हैं तो गवर्नमेंट पहले से अनुमान लगा लेगी कि इतने लोग रहेंगे उस समय बद तक तो इन लोगों के लिए फिर पॉलिसी वगैरह बनेगी ना ठीक है तो इसका आंसर भारत हो गया याद रखना लासी जो भारत का है जापान चीन नहीं मार देना चलिए नाइन्टी नाइन देखिए निम्नलिखित में तो से किसे किसने द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है इंपॉर्टेंट किताब है ठीक है इसको देखिए ये बुक किसने लिखी है थोड़ा सा देख लीजिए क्योंकि बुक्स इंपॉर्टेंट होती हैं द पॉपुलेशन दिख रहा ना और जुम करेंगे तो यार ये ब्लर हो जाएगा फिर द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया ये लिखी किसने हैं एस वाई कुरैसी ठीक है एस वाई कुरैसी इम्पोर्टेंट है आंसर क्या हो गया एस वाई कुरैसी ठीक है इनका नाम याद आने से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया याद आ रहा ये पुराने यानी पूर्व फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं ठीक है थीके? उनकी किताबें चलिए सौ देखिए सौ माँ देखिए भारत के निम्नलिखित किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री अभ्योदय योजना प्रारंभ की है अभ्योदय के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है ये ये स्टूडेंट्स के लिए है ठीक है फ्री कोचिंग का याद आ रहा स्टूडेंट्स को फ्री कोचिंग अवेलेबल होगी ठीक है और फ्री कोचिंग का मतलब यहाँ पे किस चीज़ की कोचिंग सभी की यू पी एस ठीक है नीट की जेई की सारी मतलब सी डी की एन डी टेट तमाम तरीके की और यूपी की यूपी की स्कीम है ठीक है यूपी से इसलिए इंपॉर्टेंट है याद रखना अभ्युदय योजना और किस लिए ये भी याद रखना फ्री कोचिंग है स्टूडेंट्स के लिए चलिए आगे कीजिए एक सौ एक देखिए निम्नलिखित में से किसने प्रबुद्ध भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसने हाल ही में एक सौ पच्चीसवीं बर्षगाट मनाई है तो भाई इसके बारे में देखते हैं प्रबुद्ध भारत जो है वो मंथली पत्रिका थी ठीक है मंथली मैगजीन थी और किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी स्वामी विवेकानंद साहब के द्वारा ठीक है स्वामी विवेकानंद के द्वारा कब की गई थी अठारह सौ छियानवे अठारह सौ छियानवे एक सौ पच्चीस साल जोड़ोगे तो दो हज़ार इक्कीस आ जाएगा ठीक है तो एक सौ पच्चीसवीं वर्षगांठ पर ये मनाई गई और ये प्रकाशन किसने किया था स्वामी विवेकानंद साहब ने याद रहेगा और तो प्रबुद्ध के नाम से आपको पता चल रहा होगा कि इसमें किस तरीके की, की बातें होंगी किस तरह का मैसेज होगा इसमें यहाँ पर एंशियंट स्परिचुअल विजडम जो थी इंडिया की वो उस आ, ये चीज़ स्प्रेड की गई है ठीक है प्रचार किया गया था इस किताब की इस पत्रिका के माध्यम से चलिए एक देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी हाल ही में एक शताब्दी से अधिक समय के बाद पुनः भारतीय राज्यों में देखे जाने के कारण चर्चा में रख रहा ईको सिस्टम इकोलॉजी का क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है और इस पक्षी का नाम है मंदारिन डक ठीक है मंदारिन बतख वेरी इंपॉर्टेंट ये दुनिया की सबसे सुंदर मोस्ट ब्यूटीफुल डक है ठीक है और इसको आयो ने आई यू सी एन ने आयो समझते हैं ना रेड लिस्ट जारी करती है जो संकट में रहती हैं प्रजातियाँ है, फ्लोरा हो चाहे वो फोना हो तो आयोसिन ने इसको लीस्ट कंसर्न में रखा है ठीक है लीस्ट कंसर्न यानी कम चिंतनीय है, है? बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है और इसको देखेंगे हम लोग जब जी के पेपर कर रहे थे उस टाइम पर हम लोगों ने देखा था इसको कहाँ गया हाँ ये ये है मंदारिन डक ठीक है देखने से लग रही है ना मोस्ट ब्यूटीफुल डक मंदारिन डक और इसमें क्या इंपॉर्टेंट इफेक्ट ये है कहाँ पे ये असम में असम में देखी गई है ठीक उस इससे पहले 1902 में देखी गई थी अब जाके मिली है 2021 में तो इसको लिस्ट कंसर्न में क्यों रखा फिर इसको तो एक तरह से क्रिटिकली इंडेंजर्ड में डालना चाहिए था ना चलिए वापस चलते हैं एक सौ तीन देखिए निम्नलिखित में से कौन वायरस पासपोर्ट जारी करने वाला पहला देश फर्स्ट कंट्री टू तो लॉन्च वायरस पासपोर्ट कौन है ये कौन कर सकता है चाइना का चाइना ही है ठीक है चाइना ने किया है और इस पासपोर्ट में एक्चुअली डिटेल्स रहेगा ठीक है इंटरनेशनल जो ट्रेवलर्स होते हैं उनके डिटेल्स रहेंगे और उस उन डिटेल में क्या रहेगा वैक्सीनेशन स्टेटस वगैरह रहेगा पॉजिटिव हो नेगेटिव हो ये सब चीज़ें उसमें रहेंगी ठीक तो आंसर सी हो गया ठीक ए सॉरी डी हो गया एक सौ चार देखिए उस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है जो सभी भारतीय नागरिकों को केंद्र से लेकर स्थानीय सरकारी निकाय यानी यू और आर की बात कर रहे हैं अर्बन लोकल बॉडी और रूरल लोकल बॉडी तक की अखिल भारतीय ई गवर्नेंस सेवाओं तक पहुँचने के लिए एक मंच प्रदान करता है यानी सेंट्रल लेवल से आपको ग्रास रूट लेवल तक आना है और इन सब की जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम है ठीक है गवर्नमेंट स्कीम है इसकी एक्सेस के लिए एक पोर्टल बनाया गया है एक मंच बनाया गया है मतलब तो सिंगल विंडो है ठीक है सिंगल विंडो एक्सेस बोलते हैं इसे यानी और कहीं नहीं जाना है बस इस पोर्टल पर जाइए और जिस योजना का आपको लाभ चाहिए वहाँ पर जाइए रजिस्टर कीजिए और जिस तरह का भी प्रोविज़न हो जिस योजना का उसमें कीजिए और इस यहाँ पर मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है उमंग है ठीक है उमंग का मतलब यहाँ पर है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फ़ॉर न्यू एज गवर्नेंस यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू न्यू एज गवर्नेंस चूँकि टेक्निकल काम है मोबाइल एप्लीकेशन तो ये किससे किस रिले किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड होगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं माई ठीक है माई के नाम से पढ़ते हैं चलिए एक देखिए फाइव स्टार बिलज स्कीम किसके द्वारा शुरू की गई है देखो इसके बारे में हम लोग जी पेपर में अच्छे से पढ़े थे देखो यहाँ पर फाइव स्टार जो है फाइव स्टार से यहाँ पे दो मतलब है एक तो फाइव को पकड़ लो और एक स्टार को पकड़ लो फाइव से मतलब यहाँ पर पाँच स्कीम से है पहली चीज ठीक है पाँच स्कीमें कौन सी हैं किस डिपार्टमेंट की हैं ये डाक विभाग की हैं ठीक है डाक विभाग की हैं डाक विभाग किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन संचार मंत्रालय जो है तो डाक विभाग की जो पांच स्कीम हैं इन पांच स्कीम की एक्सेस जो भी गांव कर लेगा या जो गांव इन पांच स्कीम को पूरा कवर कर लेगा उस गांव को पांच स्टार स्टेटस दिया जाएगा ठीक है फाइव स्टार विलेज स्टेटस ठीक है मान लो किसी गांव ने चार ही योजना अभी हम पांच स्कीम बता दे रहे कौन सी हैं पर किसी ने चार स्कीम ही कवर की किसी गाँव ने तो उसे फोर स्टार विलेज स्टेटस दिया जाएगा ठीक है फोर स्टार स्टेटस तो ये डाक विभाग की पाँच स्कीम कौन सी हैं ये देख, देख लीजिए देखो पहले नंबर पर मैंने लगा यहाँ पे सेविंग बैंक अकाउंट ठीक है सेविंग बैंक अकाउंट और यहाँ पर रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट जो होते हैं एनएससी वगैरह होते हैं किसान विकास पत्र होते हैं एन भी जोड़ लेना इसी में दूसरा पॉइंट है एस एस यानी सुकन्या सुकन्या समृद्धि जो स्कीम है पी अकाउंट प्रोविडेंट फंड जो है इंडिया पोस्ट पे इंडिया पोस्ट बैंक इंडिया पोस्ट बैंक समझते हैं ये डाक विभाग के एक एक तरह से ये ए है ठीक है अब डाक विभाग भी अपने सेविंग बैंक जो कार्ड होल्डर रहते हैं अकाउंट होल्डर रहते हैं उनको भी ए कार्ड प्रोवाइड करा रहा है दूसरा यहाँ पर इंश्योरेंस पॉलिसी है रूरल इंश्योरेंस पॉलिसी भी है इनके साथ में पाँचवें नंबर पर यहाँ पर पी एम एस बी लिखा है यानी यहाँ पर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है और ये जीवन ज्योति बीमा योजना एक तरह से देखो ये इन्होंने कहा तो ये पाँच ये है पाँच योजनाएं फाइव स्टार लेकिन ये पाँच नहीं दिख रही हैं ये पाँच की जगह दस बारह स्कीम दिख रही हैं है ना और कर करके इन्होंने काफ़ी योजनाएं जोड़ दी हैं एक तरह से डाक विभाग की जो स्कीम है ना उनका प्रमोशन के लिए काम किया जा रहा है ठीक है क्योंकि ये सब स्कीम ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ बैंक में ही चल रही है इसमें इंडिया आ, पोस्टल डिपार्टमेंट में चल रही हैं ये इस सारी स्कीम बैंक में भी चलती हैं ठीक है थीके? बैंक में भी चलती हैं और इंडिया पोस्ट में भी चलती हैं यानी डाक विभाग में भी चलती हैं डाक विभाग के कुछ फ़ायदे हैं चूँकि सेंट्रल डिपार्टमेंट है तो आप देखेंगे तो आप यहाँ पर पी हुआ या फिर एफ वगैरह जो होती हैं फिक्स डिपोजिट होती हैं इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो इंडिया पोस्ट के थोड़े से बेटर रहते हैं बैंक की अपेक्षा इंटरेस्ट ज़्यादा देती है इंडिया इंडिया जो पोस्ट है डाक विभाग है यहाँ पर इंटरेस्ट ज़्यादा देती है बैंक की अपेक्षा मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है लेकिन डिफरेंस है थोड़ा सा डिफरेंस है उसके बावजूद भी लोग यहाँ पे जो फिक्स डिपॉजिट है या फिर पीपीएफ है या फिर सुकन्या समृद्धि योजना है ज़्यादातर प्रेफर किसको करते हैं बैंक को करते हैं डाक विभाग को काम करते हैं क्योंकि डाक विभाग में भी सारी स्कीम चल रही हैं डाक विभाग बैंक का काम तो लगभग सारा करता ही है और भी काम है डाक विभाग के पास तो यही सीन है स्कीम का जो गांव इन पांच स्कीम को कवर कर लेगा उसको फाइव स्टार दर्जा दे दिया जाएगा ठीक है तो यहाँ पे ये यह किसका है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का आगे बढ़ें और ये सब बेहतरीन स्कीमें हैं जैसे सुकन्या समृद्धि योजना हुई इसके बारे में अब शादी ब्याह करना अगर बिटिया होती है तो फिर बिटिया के लिए क्या है एक तरह से प्रोटेक्शन है यहाँ पर यहाँ पर पैसा जमा कर दिया जाता है धीरे धीरे हर महीने उसका फ़ादर या उसकी मदर जमा करती रहती है और इक्कीस साल में वो पैसा मैच्योर हो जाता है और वो बहुत सारा पैसा बन जाता है ठीक है तो इक्कीस साल बाद करो कुछ भी करो उसकी शादी करो या फिर उसकी पढ़ाई के लिए हायर एजुकेशन के लिए खर्च करो तो जो भी यूज करना है करो तो सुकन्या समृद्धि से बिटिया का भविष्य तो सुरक्षित कर ही सकते हो ना पीपीएफ के बारे में जानते होंगे जब जॉब में आ जाएंगे तो पता चल जाएगा ये सब सेविंग स्कीम है ठीक है यहाँ पे पीपीएफ में लगभग पैसा डबल हो जाता है पंद्रह साल में ठीक है लगभग डबल हो जाता है पाँच सौ रुपये हर महीने मिनिमम लिमिट है और साल की जो मैक्सिमम लिमिट है वो डेढ़ लाख है ठीक है मतलब ये जमा करने की एक साल में तुम डेढ़ लाख लाख रुपए जो है वो जमा कर सकते हो पी अकाउंट में और मिनिमम पाँच सौ रुपये जमा कर सकते हो तो हर साल यदि डेढ़ लाख जमा करोगे पी अकाउंट में तो पंद्रह साल में कितना हो जाएगा लगभग अठारह लाख है ना अठारह लाख हो जाएगा और ये पंद्रह साल बाद जब मैच्योर होगा ये तो आपकी आपका मूल है जब मैच्योर होगा तो लगभग पैंतीस से छत्तीस लाख हो जाएगा ठीक है मतलब पंद्रह साल में लगभग डबल हो जाता है चलिए आगे बढ़िए एक सौ छह दी मानव पूंजी सूचकांक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स की बात कर रहे हैं इसके बारे में हम लोगों को बताना है इस ग्लोब पे जो सबसे बड़ी पूंजी है वो तो खुद मानव ही है ना मानव कुछ भी कर सकता है कोई भी पूंजी बना सकता है तो अपने आप में मानो एक पूंजी है मानव पूंजी में एक एक बात आप हमेशा याद रखना कि ये जो इंडेक्स है ये ये एड्रेस किस चीज़ को करता है हेल्थ को और एजुकेशन को एड्रेस करता है ठीक है हेल्थ और एजुकेशन को आपने इसके थ्री पैरामीटर पढ़े होंगे ठीक है तो उसी में ये सब आते हैं हेल्थ और एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस रहता है और इस इंडेक्स के बारे में तो बिल्कुल रटा हुआ कि ये रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है बनाता कौन है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स वर्ल्ड बैंक ठीक है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है वेरी इंपॉर्टेंट वैसे भी गिनी चुनी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है है ना तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स याद रखना यहाँ पे क्या लिखा है यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दिया है डब्ल्यू एफ डब्ल्यू एफ थोड़ी ना करता है काम वर्ल्ड बैंक का काम है तो पहला पॉइंट गलत हो गया दूसरा पॉइंट देखिए ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी में भारत एक सौ आठवें स्थान पर था तो ये रैंकिंग एक सौ आठ नहीं थी दो हज़ार बीस में एक सौ सोलह थी ठीक है इसकी रैंक भी इंपॉर्टेंट है रिलीज कौन करता है रिपोर्ट ये भी इंपॉर्टेंट है हेल्थ और एजुकेशन मेजर पैरामीटर हैं ठीक है तो ये तीन चार चीज़ें आपको याद रखनी है चलें आगे चलें तो ये भी पॉइंट गलत हो गया दूसरा तो इसके तो ना तो वन ना तो टू तो ये मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका चलिए एक सौ सात दिखे भारत के किस राज्य ने हाल ही में गैर संचारी रोग गैर संचारी रोग यानी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ नॉन कम्युनिकेबल समझते हैं ना मतलब जो संक्रमण से नहीं फैलती हैं ऐसी तो डिसीज़ कौन सी हैं जैसे डायबिटीज़ है आपको या फिर हमें डायबिटीज़ है तो मैं संक्रमित करके कि किसी को दूसरे को संक्रमित थोड़ी ना कर सकता हूँ डायबिटीज़ से तो डायबिटीज़ क्या है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है किसी को हार्ट की डिसीज है तो वो संक्रमण से थोड़ी ना फैलता है तो ये सब नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होती हैं तो यहाँ पर गैर संचारी रोगों के नियंत्रण के नियंत्रण के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है किस राज्य ने जीता है? ये तो अच्छा क्वेश्चन है किसने काम किया भाई ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ कितना बढ़िया और ये काम हेल्थ का इशू है तो ये काम कौन करेगा केरल ठीक है आंसर के रैल हो गया एक सौ देखिए अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी में औद्योगिक श्रमिक यानी इंडस्ट्रियल जो लेबर है के लिए उपभोक्ता मूल सूचकांक यानी सी पी आई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर का आधार वर्ष दो से संशोधित कर पुराना क्वेश्चन है लेकिन पूछा जाता है क्वेश्चन ये भी इसको शिफ्ट करके दो से शिफ्ट करके दो हज़ार को यहाँ पर बेस ईयर बना दिया ठीक यहाँ पे मैं मिटा दे रहा हूँ गलत गलत लिख गया 2016 बेस ईयर है अब बी एस ईयर है इस इंडेक्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था ना सीपीआई के बारे में भी पढ़ा था डब्ल्यू के बारे में भी पढ़ा था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है और ये होलसेल प्राइस इंडेक्स है इसके बारे में क्या पढ़ा था कंज्यूमर के बारे में कंज्यूमर क्या करता है किसी चीज़ को किसी गुड्स को या फिर सर्विस को डिमांड करता है है ना डिमांड ही करता है ना मतलब कंज्यूमर को तो ज़रूरत रहती है ना सब चीज़ों की तो सी जो है ना वो रिप्रेजेंट करता है डिमांड साइट को ठीक है डिमांड साइट को सी रिप्रेजेंट करता है और डब्ल्यू पी आई में होलसेल होल सेल में यानी प्रोडक्शन प्रोडक्शन कौन करता है प्रोड्यूसर करते हैं उत्पादक लोग करते हैं कारखाने वाले लोग करते हैं है ना तो कारखाने वाले लोग अपना माल बना के क्या करेंगे मैचिंग ना मार्केट में यानी सप्लाई करेंगे तो ये सप्लाई साइड को रिप्रेजेंट करता है याद रखना ठीक है सप्लाई साइड तो इसका आंसर क्या हो गया दो हज़ार सोलह हो गया चलिए एक सुनाओ देखिए भ्रह्म कमल जिसका राजकीय फूल है ये कहाँ का स्टेट फ्लावर कहाँ का है ब्रह्म कमल कमल ये एक तरह से ठीक है और ये उत्तराखंड उत्तराखंड का राजकीय फूल है इस फूल को देख लें वैसे ही है जैसे कमल होता है ये है ब्रह्म कमल ठीक है ब्रह्म कमल कहाँ पे उत्तराखंड का ये वहाँ का राजकीय यानी स्टेट फ्लावर है स्टेट फ्लावर ठीक आगे बढ़ें आइए एक सौ दस देखिए युद्ध प्रदूषण के युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध यहाँ पे कॉमा लगाना चाहिए युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध ये जो कैंपेन है कैंपेन ये किसके द्वारा शुरू की गई है ये तो अच्छा है यार बहुत अच्छा है यहाँ पे ये कैंपेन है ये दिल्ली सरकार का है दिल्ली सरकार का एक योजना और याद रखनी है कौन सी ट्री ट्रांसप्लांटेशन की ठीक है ट्री ट्रांसप्लांटेशन की याद आ रहा यहाँ पर पे पेड़ को काटना नहीं है सीधा उखाड़ के दूसरी जगह पर लगाना है ठीक है तो यहाँ से वन का संरक्षण होगा फॉरेस्ट कंजर्वेशन होगा सही बात है जब जड़ों से उखाड़ सकते हो तो उखाड़ के दूसरी जगह लगाओ प्लांट किया जा सकता है काटने की क्या ज़रूरत है और ये ट्री ट्रांसप्लांटेशन जो स्कीम है ना वो इसी 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 का एक भाग है ठीक है इसी कैंपेन का ही एक पार्ट है इसको देख लेते हैं थोड़ा जल्दी से इसको देखिए जल्दी से ऑनेबल सी एम श्री अरविंद केजरीवाल लॉन्चेस युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध यानी ये जंग किसके खिलाफ है प्रदूषण के विरुद्ध ठीक है एंटी पॉल्यूशन कैंपेन है और इसके तहत होना क्या क्या है ये जल्दी से देख लीजिए पॉइंट एंटी डस्ट मेजर यहाँ पे किया जाएगा हॉट स्पॉट मैनेजमेंट किया जाएगा ग्रीन दिल्ली एप ये टेक्निकलिटी यहाँ पे आ गई है डिवाइसिंग अ वॉर रूम अगेंस्ट पॉल्यूशन ट्री ट्रांसप्लेट ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी इसी की चर्चा कर रहे थे ना हम लोग अभी एक्शन अगेंस्ट स्टबल स्टबल वर्निंग इनकरेजिंग एडोपन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी अब रोल आ गया है यहाँ पर तो तो और टाटा ने तो लॉन्च भी कर दिए व्हीकल टाटा ने तो बस भी लॉन्च कर दी हैं ठीक है अशोक लीलन ने भी कर दिया है निये 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 निये। मतलब अब जरूरी है भाई इलेक्ट्रिक वही अब परंपरागत रिसोर्स जो हैं फ्यूल हैं कब तक चलेगा पेट्रोल डीजल कब तक चलेंगे तो ये जरूरी है ये सब एस डी जी पर ही तो काम हो रहा है ना चले आगे चलें आइए एक सौ ग्यारह देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विश्व पर्यावास दिवस यानी वर्ल्ड हैबिटाट डे ट्वेंटी ट्वेंटी के विषय है क्या था थाबिटाट समझते ना हैबिटाट यानी रहने की जगह सेल्टर होना सेल्टर ठीक है सेल्टर रहने की जगह यानी इंसान ने भाई इस पृथ्वी पे जन्म लिया है तो उसको इतना तो राइट है ही ना कि उसके पास पर्याप्त सेल्टर रहे रहने की जगह है, रहे एडिक्वेट सेल्टर रहे ये तो बेसिक राइट है यानी ये किस चीज़ को एड्रेस कर रहा है ह्यूमन सेटलमेंट डे जो एड्रेस किसको कर रहा है ह्यूमन सेटलमेंट को ठीक है ह्यूमन सेटलमेंट को एड्रेस कर रहा है ठीक right है जो कि बेसिक राइट है एक और ये ऑब्जर्व कब किया जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है हर अक्टूबर आ, हर महीना सॉरी हर साल का जो अक्टूबर महीना है इस अक्टूबर का जो पहला मंडे आएगा फर्स्ट मंडे ये याद रखना है ऐसा ऑप्शन में ही दिया रहता है फर्स्ट मंडे अक्टूबर महीने का पहला सोमवार जो होता है उसको सेलिब्रेट करते हैं एज अ वर्ल्ड हैबिटाट डे के रूप में आपने एच डी जी नंबर पढ़ा हुआ ग्यारह ठीक है एच डी जी ग्यारह में क्या लिखा है वहाँ पर सस्टेनेबल हाउसिंग मैनेजमेंट की बात की गई है ठीक है और इस बार की थीम यहाँ पे जो रही है हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर सभी के लिए आवास एक बेहतर शहरी भविष्य याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये थीम भी चलें आगे बढ़ें और ये काम कराता कौन है एक संस्था है यू एन हैबीटाट ठीक है यू एन हैबीटाट ये याद रखना ये ये ऑर्गेनाइज कराता है सब कुछ और ये एक तरह से क्या यू एन समझ यू तो समझते हैं यू एन की एक एक यह, यहाँ पे ब्रांच है ठीक यू एन की एक एजेंसी है यू एन की एक एजेंसी है चलिए एक सौ बारह देखिए यहाँ पे है तीन पॉइंट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे काफ़ी कुछ है, यहाँ पे फैक्ट हम लोगों को सीखने मिलने वाले हैं डॉक्टर सुशांत कर डॉक्टर सुशांत कर को प्रोफेसर ए एन भादोड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड ट्वेंटी के लिए चुना गया अवार्ड तो हम लोग बाद में देख लेंगे पहले इनका काम देख लेते हैं इन्होंने काम क्या किया आप आप एक एक रोग के बारे में आप परिचित हैं कालाजार ठीक है कालाजार काला इसको ब्लैक फीवर के नाम से भी जानते हैं ब्लैक फीवर काला बुखार और कालाजार जो है वो कैसा है वाय, वायरल है या फिर बैक्टीरियल है या फिर प्रोटोजुआ से होता है किससे होता है पैरासाइट से होता है ये पैरासाइट से होता है ठीक है पैरासाइट से होता है प्रोटोजुआन पैरासाइट पहली चीज़ तो ये फैक्ट मिला हम लोगों को ना तो ये वायरल है ना ही ये बैक्टीरियल है ये प्रोटोजोआ से होता है और जिस पैरासाइट से होता है ये रोग उस पैरासाइट का नाम है लिसमेनिया डोडोवानी यहाँ पे उसका नाम भी लिख दिया है ठीक ये पैरासाइट ही है हमें डॉक्टर साहब ने यहाँ पे ये देखा है इस पर इन्होंने स्टडी की है कि ये पैरासाइट जो है लिसमेनिया डोडोवानी ये बॉडी के अंदर सर्वाइव कैसे करता है सर्वाइव कैसे करता है ठीक है यानी इस पैरासाइट की सर्वाइवल टेक्निक्स जो हैं टैक्टिक्स जो हैं बॉडी के अंदर इस पर उन्होंने स्टडी की है ठीक अब यदि इस पर स्टडी कर ली और पता चल गया कि ये जीवित कैसे रहता है शरीर के अंदर तो उसको फिर मारने के लिए भी उपचार कर लिया जाएगा जब किसी का जब किसी की कमजोरी पता चल जाए तो फिर आसान हो जाता है ना उसको मारना जैसे इंसान की सर्वाइवल टैक्टिक्स क्या है भाई उसको ऑक्सीजन चाहिए है ना ऑक्सीजन चाहिए तो इंसान की नाक बंद कर दो मर जाएगा आराम से अब जल्दी से क्वेश्चन पढ़ लीजिए बहुत फुर्ती से करते हैं डॉक्टर सुशांत कर को ये तो पढ़ लिया हमने ठीक है ये अवार्ड दिया गया दूसरा पॉइंट पढ़िए लिसमिनिया डोडोवानी का जीवन रक्षा पद्धति को परिभाषित करने की दिशा में उनके महत्वपूर्ण योगदान को पहचानने के लिए उन्हें सम्मानित किया गया ठीक है उन्होंने सर्वाइवल सर्वाइवल टैक्टिक्स जो है इस बैक्टीरिया सॉरी इस इस पैरासाइट की उन्होंने उन्होंने काम किया तो ये भी पॉइंट ठीक है तीसरा पॉइंट पढ़िए लिसमिनिया डोडोवानी एक प्रोटोन जो है पढ़ वेरी इंपॉर्टेंट ये भी देखा हमने कि ये ना तो बैक्टीरियल है ना ही वायरल है ये पैरासाइट से होता है जो ट्यूबर कोलोसिस पैदा करने के लिए ज़िम्मेदार है ट्यूबर कोलोसिस से थोड़ी ना होता है ट्यूबर कोलोसिस तो किससे होता है ये तो बैक्टीरियल है तो बैक्टीरिया से होता है और हमने तो हम लोगों ने तो अभी कालाजार पड़ा है ना तो ट्यूबर कोलोसिस नहीं कालाजार है तो ये पॉइंट गलत हो गया तो यहाँ पर केवल एक और दो सही है क्लियर है चलिए एक देखिए हो गया ना ठीक ठीक हाँ यहाँ पर अगर इस तरह का क्वेश्चन नहीं आया तो दूसरे तरीके से फ्रेम कर सकते हैं एग्ज़ाम हाँ क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन लिसमिन या डोडोवानी ये क्या है सिंपल सा ऑप्शन दे देगा बैक्टीरिया है फिर वायरस है प्रोटो जो है ऐसे करके दे देगा दे तो ये भी याद रखना अलग से याद रखना कि डोडोवानी लिस्मिन या डोडोवानी जो है वो एक पैरासाइट का नाम है और जो कौन सा रोग करता है कालाजार ये क्वेश्चन भी दे देगा दे वायरल बैक्टीरिया यदि ऑप्शन में नहीं दिया तो इस रोग से इस बैक्टीरिया से ऐसा पूछ लेगा कि इस पैरासाइट से कौन सा रोग होता है तो ऑप्शन में चार रोग दे देगा वहाँ पर कालाजार मार देना ठीक है इस तरह से भी पूछ सकता है देखो न्यूज़ में है तो क्वेश्चन तो किसी भी तरीके से फ्रेम कर सकते हैं ना आप ऐसा थोड़ी ना कि ऐसे के ऐसे एज यास, इट इज आ जाएगा पूरा क्वेश्चन टेस्ट सीरीज हम लोग लगा रहे हैं एक तरह से तो मॉक लगा रहे हैं हम लोग टेस्ट सीरीज लगाने का मतलब सिर्फ एग्जैक्ट वही वही क्वेश्चन नहीं पढ़ना होता है उसके आसपास के जो क्वेश्चन हैं ये आपको खुद से फ्रेम करने होते हैं तब जाके आप पकड़ कर पाएंगे कि प्री में क्या पूछा जा सकता है किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज ऐसी ऐसे की ऐसी नहीं आ जाती है छपी छपाई वहाँ पर एग्जाम में हाँ लेकिन उसके इर्द गिर्द के क्वेश्चन जरूर रहते हैं ठीक चलिए एक सौ तेरह देखिए निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में ट्रांसजेंडर के लिए मदरसा खोला है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बांग्लादेश की बांग्लादेश का इनिशियेटिव है ठीक है बांग्लादेश के बारे में जानते हैं मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है और मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री में इस तरह का इनिशिएटिव एक अपने आप में एक 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 नई तरीके का इनिशिएटिव तो है, है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है तो डी डी लगा देना इसका ट्रांसजेंडर ट्रांसजेंडर तो समझते होंगे ना एलजीबीटी आपने सुना होगा एलजीबीटी में जो टी है ये ट्रांसजेंडर है एल है ये पहला वाला एल है एल जी बी टी यानी यहाँ पे ये ये एल एस बी एन और बाई सेक्स वाले ट्रांसजेंडर जो होता है ना ये कम्युनिटी जो है वो उसको एल जी बी टी कम्युनिटी बोलता है चलिए एक सौ चौदह देखिए दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया ये जो कांग्रेस कांग्रेस होता है कांग्रेस यहाँ पे एक तरह से मीटिंग समझ लेना कॉन्फ्रेंस समझ लेना ठीक है ये जो कॉन्फ्रेंस है ये एक तरह से पूरे एशिया की मतलब साउथ एशिया की ये लार्जेस्ट डिजिटल टेक्नोलॉजी फोरम है साउथ एशिया की लार्जेस्ट डिजिटल टेक्नोलॉजी फोरम ठीक है पहली चीज़ और चूँकि यहाँ पे इंडिया लिखा है इंडिया मोबाइल कांग्रेस है तो ये ऑर्गेनाइजर कौन है इंडिया ही है ठीक है ये प्लेटफॉर्म इंडिया का प्लेटफॉर्म है ठीक है इंडिया का प्लेटफॉर्म है क्योंकि चूँकि यहाँ पे ये टेक्निकल मीटिंग है तो यहाँ पे कौन इसको ऑर्गेनाइज़ कौन करेगा डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्निकेशन. ठीक है डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन एक किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है माई के अंदर ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ठीक और अभी चौथी बार हुआ है 2020 में चौथी बार हुआ है दिसंबर 2020 में चौथी बार हुआ है चलिए एक सौ पंद्रह दिखिए हैदरपुर वेटलैंड वेरी इंपॉर्टेंट वेट के बारे में आप लोग समझते हैं अच्छी तरीके से हाल ही में चर्चा में थी यह भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी से क्वेश्चन है ठीक है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है मुजफ्फर मुजफ्फरनगर यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इसका नाम नहीं भूलना है मुजफ्फरनगर में मुजफ्फरनगर का ये वेटलैंड एक तरह से झील है ठीक है हैदरपुर झील है और ये झील है तो ये ये जो कवर रहती है ना यहाँ पे गंगा और सोलन ये जो सोलनी रिवर है इसका पानी यहाँ पे भरा रहता है तो आप लोग ये बताना कि हदरपुर जो वेटलैंड है इसको रामसर साइड का दर्जा दे दिया गया है या फिर अभी मिलना बाकी है या उसके लिए गवर्नमेंट काम कर रही है कि साइट ये जो साइट है ये जो झील है उसको रामसर साइड का दर्जा प्राप्त हो जाए थोड़ा बताइएगा में ठीक है तो यूपी का मुजफ्फरनगर याद रखना ऑप्शन में यूपी है नहीं तो आंसर हो गया डी आगे बढ़ें अरे से वो टेलीस्कोप हाल ही में ढह गया यह नाम लिखते हैं किस देश में स्थित है पहले उस टेलीस्कोप को ही देख लो टेलीस्कोप के क्या काम है, आप है। ये आप लोग जानते हैं ये टेलीस्कोप है ठीक है ऑब्जर्वेशन के इनके काम रहते हैं एस्ट्रोनॉमी में इनके कॉन्ट्रीब्यूशन रहते हैं तो ये जो ये आपको दिख रहा है ना फिगर ये ये टेलीस्कोप है और नाम क्या है इसका अरे सी वो पहली चीज़ यहाँ पर दिख रहा है रेड कलर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन में तो लिखा है ना क्या लिखने की ज़रूरत है ये है किस कंट्री में यह जानना जरूरी है ये प्योटो में है ठीक है प्योटो रिको में ये प्योटो रिको का टेलीस्कोप है और ढहने के बाद इसकी स्थिति हो गई ठीक है ये स्थिति ढहने के बाद हो गई तो ये कोलैप्स कर गया गिर गया टावर टावरावर देख रहे होंगे इसी के ऊपर आके टावर ही गिर गए ये एक तरह से यहाँ पे क्या है लैंड स्लाइड हुआ है बहुत यहाँ पे लैंड स्लाइड हुआ है भूस्खलन हुआ है भूस्खलन के वजह से कोलैप्स कर गया चलिए वापस चलते हैं क्वेश्चन पे ठीक तो आंसर क्या हो गया सी ऑप्शन हो गया आगे करिए एक सौ सत्रह देखिए वदापन बंद रह गया है बनाया गया पोर्ट है भाई बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों ने जीएस में जब क्वेश्चन किए थे तो वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स है यहाँ हम लोगों ने देखे थे मेजर पोर्ट कौन से हैं और माइनर पोर्ट्स कौन से हैं ये सब हम लोगों ने वहाँ पर डिस्कस किया था आप लोग बताना मैं कमेंट करके मेजर पोर्ट कितने हैं माइनर पोर्ट कितने हैं क्योंकि इनकी संख्या पूछा है पी और कमेंट ना भी कर पाओ तो आप लोग एक बार सर्च कर लेना बस अपने पास रखना इन्फॉर्मेशन लेकिन जान लेना रिवाइज जरूर कर लेना बस मोटिव इतना है तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे अप्रूव किया है बदावन पोर्ट को और यह है कहाँ पे महाराष्ट्र का है और इम्पोर्टेंट इसलिए है ना क्योंकि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में इस पोर्ट का बहुत बड़ा रोल होने वाला है और एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट से के रिगार्डिंग जो ये जो पोर्ट संबंधित रहते हैं वो नॉर्मली उनको कार्गो पोर्ट बोलते हैं ठीक है थीके? कार्गो पोर्ट कार्गो से हम लोग समझते हैं ना माल माल के आवाजाही के लिए जो पोर्ट बनते हैं यहाँ पे मतलब माल बाहक जो जहाज जा, जहाज़ रहते हैं वो आते हैं यानी पैसेंजर वाले जो जहाज़ रहते हैं ना उनका यहाँ पर रोल नहीं है इस जगह पर वो इस पोर्ट पर नहीं रहते हैं वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कार्गो जैसे वो सोएज नहर वाला जो फंसा हुआ था एवर गिवन वाला वैसे वैसे वैसे, वैसे जहाज जा आते जा हैं ठीक है तो आंसर महाराष्ट्र याद रखना चलिए एक सौ अठारह देखिए कौन सा यहाँ पे क्या है मिनी काजीरंगा के नाम से किसे जाना जाता है अच्छा क्वेश्चन है काजीरंगा वैसे मेन काजीरंगा कहाँ पर है असम में है ठीक है और काजीरंगा रंगा किसके लिए फेमस है आप लोग जानते हैं वन हॉर्न राइनो ठीक है एक सिंग वाले जो राइनो होते हैं उसके लिए फेमस है उन्हीं का हैबिटेट है, है काजीरंगा न्यूज में इसलिए था क्योंकि अभी यहाँ पर रिसेंटली क्या हुआ था दो राइनो दो राइन, राइनोज जो है ना वो वो मर गए थे उनकी डेथ हो गई थी उन राइनों ने शायद जंक फूड वगैरह खा लिया था जंगल में जो जंगल में भी तो जंक फूड होता है और इसका नाम है पो तोरा वन्यजीव अभ्यारण पोबी तोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट क्या है ये असम में है ठीक है दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि दुनिया में सबसे हाईएस्ट डेंसिटी जो है वो वन हॉर्न राइनोस की वो इसी में है डेंसिटी की बात करें ठीक है डेंसिटी जो है किसकी वन हॉर्न राइनोस की वो पोबितोरा में कहाँ पे पोबितोरा में दूसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है एक काजीरंगा के बाद दूसरा सबसे बड़ा सेंचुरी है जहाँ पे ये वन हॉर्न राइनोस पाए जाते हैं ठीक है थीके? तो इसको देख लो जल्दी से इसकी लोकेशन देख लो लोकेशन तो बहुत जरूरी है लोकेशन में काम नहीं चलेगा जोग्राफी में मैं शायद फिगर डालना भूल गया क्या हाँ ये है इसको देखिए ये पोबीतोरा दिख रहा पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में ठीक है याद रखना वहाँ पर ऑप्शन में आपको ये ऑप्शन में यहाँ पर एक यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम लिखा है तृष्णा क्या तृष्णा तृष्णा भी याद रखना ये किसका मैप है सामने जो दिख रहा है आपको त्रिपुरा का है ठीक है ये पूरा त्रिपुरा का है और त्रिपुरा में ये जो लोकेशन दी है इतनी वो तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की है ठीक है तृष्णा और भीषोण नेशनल पार्क याद रखना सेपरेटली याद रखना कि ये त्रिपुरा के हैं चलिए बाब इस क्वेश्चन पे चलते हैं जैसे ही लगा ना तृष्णा तो ये कहाँ पे पड़े हो अभी त्रिपुरा में पढ़े हो ना चलिए आंसर इसका डी हो गया एक सौ उन्नीस देखिए हाल ही में बिहार के उद्घाटन किए गए कोलाईवर पुल की लंबाई कितनी है ये जो पुल बनाया पहली चीज़ तो ये सोन सोन नदी के ऊपर बनाए ठीक है सोन रिवर और इसकी लेंथ है वन पॉइंट फाइव किलोमीटर वन पॉइंट फाइव किलोमीटर न्यूज में इसलिए था ना कि इनाग्रेशन हुआ है इसका नया पुल बना है ठीक है नया पुल बना है डेढ़ किलोमीटर का तो तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया करंट का तो याद रख लेना डेढ़ किलोमीटर मतलब एग्जिस्ट तो पहले से भी कर रहा था पहले दो लाइन था अब छः लाइन हो गया ये सिक्स लेन हो गया अब तो सिक्स लेन बनेगा तो फिर से इनाग्रेशन तो होगा ना अब बिहार और यूपी का पाइवेट पॉइंट है पाइवेट पॉइंट है यहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होता है तो यू पी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है ठीक है याद रखना चलिए एक सौ बीस देखिए कोविड नाइन्टीन घृणा अपराध विधेयक कोविड नाइन्टीन हेट क्राइम एक्ट हैज़ बीन पासड हुआ ये तो बड़ा अच्छा यहाँ पे बिल को पास किया गया हेट के मामले में अगर आप पॉजिटिव हुए होंगे तो आप आसपास के लोगों को आसपास के लोगों का बिहेवियर देख रहे होंगे आपके लिए कैसा है जो पॉजिटिव इंसान है उसके लिए कैसा बिहेवियर रहता है पड़ोसियों का ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं जो पॉजिटिव नहीं हुए होते हैं या नहीं रहे होते हैं उनको तो लगता है कि पॉजिटिव वाला जो इंसान है वो कोई एलियन एलियन है पता नहीं क्या हो गया उसको उसी उसको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे दुनिया का सबसे जो बीमार व्यक्ति है ना सभी लोगों की जो जड़ है ना वो कोरोना पॉजिटिव इंसान ही है ऐसा ट्रीट हो रहा था मैंने तो भाई फील किया है गाँव में लेकिन कुछ दिन बाद सब समझ में आएगा सब लोगों को जब खुद पॉजिटिव हुए तो ठंडे पड़ गए तो देख रहे हैं ज्ञान की कमी से ज्ञान में और सामाजिकता में कितना कितना गहरा रिलेशन है ज्ञान की कमी रहेगी तो सोशल रिलेशन बहुत भयानक हो सकता है तो ये काम जो किया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने किया है यू ने किया है ठीक चलिए आगे कीजिए एक सौ इक्कीस देखिए सुंदरलाल बहुगुड़ा नाम से आप लोग जानते होंगे ये चिपको आंदोलन से जुड़े थे बिल्कुल एक पर्यावरण भी थे इन्वायरमेंटलिस्ट थे ठीक है चिपको मूवमेंट के पाइनियर थे इनका हाल ही में निधन हो गया अभी पास्ट ये खत्म हो गए मृत्यु हो गई इनकी तो अभी न्यूज़ में है न्यूज़ में थे तो क्वेश्चन आ गया तो पहला पॉइंट पढ़िए हिमाचल प्रदेश में हुए चिपको आंदोलन से ये जुड़े हुए थे अब बताइए आप चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था हिमाचल प्रदेश में हुआ था या फिर उत्तराखंड में हुआ था ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे स्टार्ट हुआ था और चमोली कहाँ पे है उत्तराखंड में ठीक है उत्तराखंड में तो हिमाचल प्रदेश तो गलत हो गया पहला पॉइंट गलत हो गया दूसरा पॉइंट है भारत रत्न अवार्ड थे क्या ये भारत रत्न अवार्डी नहीं थे ठीक है ये पद्मश्री और पद्म विभूषण इनको मिला हुआ है तो भारत रत्न नहीं मिला इनको तो ये भी गलत हो गया यानी आंसर डी हो गया ठीक है इनकी ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है एक तरह से स्लोगन की तरह वो काम करता है और ये सेपरेटली भी पूछा जा सकता है इसको याद रखना इकोलॉजी इज द मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ अगर दे वीडियो देखो लंबा तो हो रहा वीडियो लेंदी हो जाता हो जाता क्योंकि हम लोग काफ़ी चीज़ें डिस्कस करते हैं तो प्लीज़ वन पॉइंट टू फाइव पर देखिए तो थोड़ा समय बच जाएगा आप लोगों का और इसका कोई सोल्यूसन नहीं है या फिर सोल्यूसन ये है कि टेलीग्राम पे पीडीएफ डाल देता हूँ मैं और सॉल्यूशन दे देता हूँ तो उसका प्रिंट आउट निकाल के वैसे पढ़ लो ठीक है मतलब जैसे भी आपको सहूलियत हो तो वैसे पढ़ लो बस यहाँ पे मोटिव इतना है कि आपका समय जो है टाइम जो है वो ज़्यादा किल नहीं होना चाहिए कम से कम समय में हो जाए तो इनका इनका एक स्लोगन है इसके लिए जाने जाते हैं इसको याद रखिए इकोलॉजी इज़ द परमानेंट इकोनॉमी कितनी बढ़िया बात लिखी है तो इसको सेपरेटली याद रख रक, रखना ठीक है क्वेश्चन में दे देगा इन्वर्टेड कॉमा लगा के कि ये किसका कथन है या फिर किसका स्लोगन है ए स्लोगन के लिए कौन जाने जाते हैं तो बढ़िया से लगा देना आप सुंदर लाल बहू बुड़ा ठीक चलिए एक सौ बाईस देखिए निम्नलिखित तो में से कौन वर्ष ट्वेंटी ट्वेंटी में फीफा अंडर सेवनटीन फीफा अंडर सेवनटीन महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा दो तो हज़ार बाईस में होने वाला है भाई फ़ीफा अंडर सेवनटीन महिला विश्व कप और इंडिया में होने वाला है इसलिए तो क्वेश्चन बना है इसलिए तो इम्पोर्टेंट है लेकिन ये ध्यान रखना ये अंडर सेवनटीन है ठीक है क्वेश्चन में अंडर ट्वेंटी पूछ लेगा तब मत लगा देना इंडिया अंडर ट्वेंटी जो है वुमेन वर्ल्ड कप फीफा का वो कोस्टा रिका में हो रहा है कोस्टा रिका में ठीक है ये दो पॉइंट याद रखना तो आंसर सी हो गया चलिए एक सौ तेईस देखिए दो हज़ार बीस इक्कीस के दौरान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी फॉरेन जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है पैसा जो बाहर से आते हैं बाहर के इन्वेस्टर जो होते हैं इन्हें एफ बोलते हैं बाहर के लोग आते हैं और यहाँ पर पैसा लगाते हैं अपना तो उन लोगों ने कितना पैसा लगाया है इनफ्लो कितना हुआ है इंडिया में ये पूछा है और टाइम भी बता दिया कि इस टाइम में बताना है तो यहाँ पे अमाउंट तो नहीं पूछा है लेकिन परसेंटेज में पूछा है कि कितना इंक्रीमेंट हुआ पिछले फाइनेंशियल ईयर से इस बार के फाइनेंशियल ईयर में कितना इंक्रीमेंट हुआ दस परसेंट इंक्रीमेंट हुआ यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है इस टाइम के ड्यूरेशन में यहाँ पे सिंगापुर ने सबसे ज़्यादा पैसा लगाया है ठीक है सिंगापुर ने सिंगापुर हाइएस्ट एफ इन्वेस्टर रहा है हाइएस्ट इन्वेस्टर एफ इन्वेस्टर ठीक है याद रहेगा अगर स्टेट में पूछेगा कि भारत में पैसा आया तो है दस परसेंट की वृद्धि भी की है फॉरेन इन्वेस्टर्स ने लेकिन किस राज्य में सबसे ज़्यादा पैसा आया यही पैसा किस राज्य में आया ये पूछ ले तो राज्य में गुजरात लगा देना ठीक है गुजरात याद रहेगा गुजरात ने सबसे ज़्यादा एफ रिसीव किया है उसके बाद महाराष्ट्र ने किया है उसके बाद कर्नाटक ने किया है. तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है आपको पहला बस याद रखना है अगर सीक्वेंस में आ गया क्वेश्चन वैसे ऐसे भी तो पूछ लेता है ना गुजरात ऐसे करके महाराष्ट्र ऐसे करके कर्नाटक इस तरह से भी क्वेश्चन आजकल पूछता है यू तो थोड़ा सा याद रखना गुजरात के बगल में ही महाराष्ट्र है महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटक है तो ऐसे याद रखते हैं ना यहाँ पर इन्फ्लू ज़्यादा हुआ है पैसे का चलिए एक देखिए जल्दी से मैच करा दीजिए पुस्तक और लेखक को तो इसको सीधा फिक्र से देख लीजिए तो क्लियर हो जाएगा देखिए यहाँ पे यहाँ पे एक एक बुक का नाम वहाँ पे ऑप्शंस में दिया है लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ ठीक है ऐसे टू दो हज़ार तीन से दो हज़ार बीस ये सलमान रजदी साहब की है ठीक और इनकी बुक्स इंपॉर्टेंट होती हैं जानते हैं तो थोड़ा सा याद रखना दूसरी किताब पर वहाँ पर नाम लिखा है सिक्किम आ हिस्ट्री ऑफ इंट्रिक एंड आलियांस ये प्रीत मोहन और सिंह मलिक साहब की किताब है ये दो इंसान नहीं है एक ही है एक ही का नाम है प्रीत मोहन सिंह मलिक और बाकी जो दो हैं वो भी जल्दी से देख लीजिए इंडिया एंड आसियन जियो पॉलिटिक्स द पास्ट एंड प्रजेंट ये किसने लिखी है शिव मैनन ने ये किताब है इंटरनेशनल इशूज़ पर लिखते रहते हैं मैन साहब ये इंपॉर्टेंट किताब है दूसरा देखिए लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली ये किसकी है सकूर राथर साहब की याद रहेगा चाहो तो स्क्रीन -फट ले लो ठीक है स्क्रीन ले लीजिए चलिए अब जल्दी से फटाफट मिला लीजिए सत्य सतकी भाषाएं लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ ऐसे हम लोगों ने पढ़ा किसकी सलमान रजदी साहब की यानी एक अथरी हो गया ठीक है सिक्किम साजिश और गठबंधन का इतिहास किसका पढ़ा है या प्रीत मोहन सिंह मलिक साहब की ये यानी फोर ऑप्शन है इसका भारत और एशिया की भू राजनीति अभी हम लोगों ने देखा है मैन साहब ने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे बहुत लिखा है तो सी का टू हो गया और डी का वन या हो गया यानी कोड क्या बना चौंतीस इक्कीस कोड बना ठीक है यानी आंसर हम लोगों का हो गया बी ऑप्शन ठीक आगे बढ़ें चलिए ट्वेंटी फाइव मिलने से कौन हर घर जेल हाँ राज्य केंद्र शासित प्रदेश नहीं है देखो ये दर्जा दिया जा रहा है हर स्टेट को और यहाँ पर एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है टैप से पानी वाटर सप्लाई जो है वो अब टैप से मिलेगा जैसे शहरों में होता है ना सुबह और शाम के टाइम पर पानी आता है अपना समर सेबल चलाओ मोटर चलाओ टंकी भर जाती है लेकिन गाँव में तो व्यवस्था नहीं है तो ये रूरल में भी करने का प्लान है गवर्नमेंट का ठीक है तो ये स्टेट बाई स्टेट कर रही हैं जैसे हम लोगों ने इसमें एक फैक्ट पढ़ा था सबसे पहला स्टेट कौन था जिसको हर घर जल का दर्जा प्राप्त हुआ था वो गोवा था ठीक है गोवा था और अभी रिसेंटली जो अभी इसको जो दर्जा मिला है वो पुडुचेरी को मिला है यानी हंड्रेड परसेंट पुडुचेरी में हंड्रेड परसेंट वाटर सप्लाई जो हो रहा है वो टैप के माध्यम से हो रहा है टोटी के माध्यम से ठीक है ऐसे चार राज्य हो गए जिन्होंने हर घर जल में हंड्रेड परसेंट यहाँ पर ये दर्जा प्राप्त किया है तो पहला देख लीजिए पहला गोवा है ये पहला था ये फैक्ट याद रखना सेपरेटली दूसरा तेलंगाना अंडमान निकोबार और पुडुचेरी पुडुचेरी अभी हाल ही में जो क्वेश्चन में पूछा है यदि पहला यूटी पूछे ना तो अंडमान निकोबार मानना फिर गोवा मत मानना गोवा तो स्टेट है अगर यूटी पूछे तो अंडमान निकोबार मार देना और स्टेट पूछे तो गोवा और ओवरऑल पूछे तब भी गोवा इसको जल्दी से देखिए होना क्या है इसमें पाइप वाटर सप्लाई टू ऑल रूरल हाउस होल्ड बाय 2024 ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है 2024 तक पूरा जो वाटर सप्लाई होगा टैप से टैप के माध्यम से होगा ठीक है टैप के माध्यम से होगा टोंटी के माध्यम से तो जल जीवन मिशन का टारगेट याद रखना दो का और ये रूरल वाला है ठीक है शहरों में नहीं किया जा रहा है शहरों में तो हो, हो वो हो गया ना ऑलरेडी रहता ही है शहरों में कूह थोड़ी ना खोदें बाकी और सभी पैरामीटर हैं इंटीग्रेटेड डिमांड एंड सप्लाई साइड मैनेजमेंट और वाटर एट द लोकल लेवल लोकल लेवल देखो ये बार बार लिख रहे हैं लोकल लेवल यानी रूरल हाउस होल्ड की बात कर रहे हैं विल कवरेज बिथ अदर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट स्कीम इसमें और भी चीज़ें हैं जैसे रेन वाटर हारवेस्टिंग की यहाँ पर यहाँ पर इंफ्रा डेवलप किया जाएगा वेस्ट वाटर को रीयूज किया जाएगा रिसाइकिल किया जाएगा ये सारी चीज़ें हैं ठीक है बढ़े आगे बढ़े हैं फिर चार स्टेट याद रखना चलिए वन ट्वेंटी सिक्स देखिए जल्दी व्यक्ति को उनके अपॉइंटमेंट से जल्दी से मिला दीजिए अरुण कुमार अरुण कुमार जो साहब हैं ये सी बी आई निदेशक नहीं है इनको गलत मैच कराया गया है ठीक है सी बी आई डायरेक्टर जो हुए हैं वो सुबोध कुमार जायसवाल हैं सुबोध कुमार जायसवाल इतने से चलेगा ना शॉर्टकट में सुबोध कुमार जायसवाल याद रखना इनको भी मई 2021 में अपॉइंट किया गया सी डायरेक्टर के पद पर ठीक है तो पहला पॉइंट जो है वो गलत मैच है तो आंसर तो हम लोगों को मिल गया क्योंकि सुमेलित नहीं बताना बाकी तीन भी सीख ले रहे हैं नीरा टंडन साहब ये बहुत साहिबा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये अमेरिकी राष्ट्रपति की वरिष्ठ सलाहकार यानी ये सीनियर एडवाइज़र नियुक्त की गई हैं यूएस प्रेसिडेंट जॉय बिडेन की ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट है ये सही मैच है तीसरा पढ़िए रमन मीनाक्षी सुंदरम इनको किससे मैच कराएगा अब ये तीनों तो सही मैच है ना बस हम लोगों को सीखना है फैक्ट जानना है डायरेक्टर ऑफ़ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च वेरी वेरी इंपॉर्टेंट संस्था इसको सेपरेटली याद रखना है इसको आई, आई आर आर बोलते हैं ठीक है ठीके? आई आई रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है राइस की ये कहाँ पर ये हैदराबाद में हैदराबाद ठीक है हैदराबाद यानी तेलंगाना पूछता है अलग से पूछता है तो ये तेलंगाना याद रखना ये इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज़्यादा लेकिन यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट है ये हैदराबाद में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये प्रफुल्ल चंद पंत साहब जो हैं वो अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एन जो है एन एच आर सी ह्यूमन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इनके एक्टिंग चेयरमैन हुए हैं ठीक है तो सही है गलत मैच पहला ऑप्शन था तो हम लोगों देख लिया चलिए वन ट्वेंटी सेवन देखिए से किस देश के साथ भारत ने मई ट्वेंटी ट्वेंटी वन में कृषि के सहयोग के लिए तीन वर्षीय कार्य कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए कृषि के मामले में जब भी बात आती है तो कृषि में सबसे हाईटेक कंट्री यहाँ पर चार कंट्री में कौन दिख रहा है इसराइल इसराइल का एग्रीकल्चर का जो टेक है वो बहुत बेहतरीन है बहुत सारी कंट्रीज़ मतलब इनसे हेल्प है लेती हैं क्योंकि ये जो एग्रीकल्चर करते हैं इसराइल वाले वो अलग ही तरीके से करते हैं ये आजकल पॉली हाउसेस दिख रहे हो पॉली हाउसेस में जो वेजिटेबल्स उगाई जा रही हैं पैदावार हो रही है ये पॉली पॉली हाउसेस टेक्नोलॉजी भी इसराइल की है और पॉली हाउसेस में जो सब्जियाँ होती हैं वो बेहतरीन होती हैं उसमें कोई रोग वोग नहीं लगता है हर एक मतलब उसमें एक पेड़ में यदि एक मिर्च में यदि चिल्ली के प्लांट में यदि सौ मिर्ची लगी हैं तो सौ की सौ बिल्कुल परफेक्ट रहती हैं ये कमाल है पॉली हाउस का क्योंकि चारों तरफ से पैक रहता है वो हाउस और उसमें इन्वायरमेंट ऐसा रहता है अंदर किया जाता है सारा उसमें रहता है मैनेजमेंट उसमें इसलिए तो वो महंगे पड़ते हैं पॉली हाउस जो है वो इंस्टॉल कराने में अपने आप में एक एकड़ का खर्चा चालीस लाख का है एक, एक एकड़ में यदि आप पॉली हाउस लगाओगे तो चालीस लाख खर्च करने पड़ेगा खैर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है सेवेंटी परसेंट सब्सिडी है पॉली हाउस पर और इस तरह का करते हैं पोली हाउसेज तो कमाल हो जाएगा ठीक है तो ये प्रोग्राम है इजराइल के साथ किया गया वन देखिए निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन बर्स ट्वेंटी के लिए विश्व के पचास महानतम नेताओं वर्ल्ड फिफ्टी ग्रेटेस्ट लीडर लिस्ट में दो में कौन है यहाँ पर देख लीजिए देखो इस तरह की जो लिस्ट देता है वो रिलीज़ कौन करता है फॉर्च्यून मैगजीन ठीक है फॉर्च्यून मैगजीन और फॉर्च्यून मैगजीन है कहाँ की ये यूएसए की है ठीक है यूएसए छापता है इस मैगजीन को और इस मैगजीन में सबसे ग्रेटेस्ट देखो शब्द को ठीक से पढ़ा कीजिए महानतम लिखा है ग्रेट वो पावरफुल नहीं लिखा है शक्तिशाली नहीं लिखा है तो शक्तिशाली का जो फैक्ट पढ़ोगे वो यहाँ पर नहीं लगा देना यहाँ पर ग्रेटेस्ट है ठीक है महानतम है तो महानतम में जो मिला है ये जो दर्जा ये ये जेसेंडा एडन को मिला है ठीक है ये न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर है न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर है और इनसे भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि यहाँ पे इंडियंस जो है वो आधार पूना वाला का यहाँ पे नाम आया है ठीक है और इनका रैंकिंग है रैंक भी इंपॉर्टेंट नहीं है इनका नाम जानना है बस ये टॉप टेन में है अब कोविड नाइन्टीन की वजह से वैक्सीन की वजह से इनका नाम आ गया इनकी कंपनी जो है एस सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर है पुणे में ठीक है कौन सी वैक्सीन बना रही है कोविशील्ड और कोविशील्ड एक्चुअली टेक्नोलॉजी है कहाँ की ये एस्ट्राजेंका वालों की है यानी वैक्सीन बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वो बेसिकली एस्ट्राजेनिका की है इन्होंने ठेका लेकर ठेका लेके रखा है कोविशील्ड बनाने का इंडिया में ठीक है तो इनका नाम भी याद रखना वन ट्वेंटी नाइन देखिए निम्नलिखित तो में से किस देश ने हाल ही में थ्री चाइल्ड पॉलिसी की घोषणा की है तो ये घोषणा किसने की होगी जहाँ पर पहले टू चाइल्ड पॉलिसी एक्टिव थी और इस वजह से समस्या क्या होगी वहाँ पर बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा हो गई बुजुर्ग लोग ज़्यादा हो गए तो थ्री चाइल्ड पॉलिसी की घोषणा कर दी और ये चाइना की है ठीक है चीन की तो चीन तो ऑप्शन में है नहीं तो आंसर डी हो गया टू चाइल्ड पॉलिसी बर्थ रेट जो थी बर्थ रेट चौपट हो गई पूरी बर्थ रेट चौपट हो गई बच्चे हैं ही नहीं है यूथ हैं नहीं है चाइना में सारे बुजुर्ग ही हैं सारे का मतलब मतलब ज़्यादा प्रोपोर्शन में बुज़ुर्गों की संख्या हो रही है तो ये तो बहुत भयानक हो सकता है ना तो लोअर बर्थ रेट के कारण फिर उनको थ्री चाइल्ड पॉलिसी को अपनाना पड़ा इसको ख़त्म कर दिया एक तरह से फेल हो गई ठीक है ये फेल हो गई इससे पहले तो वन चाइल्ड पॉलिसी था ये तो बिल्कुल तूफान ही काम करता है ना वन चाइल्ड पॉलिसी भी थी इससे घाटा कितना भयानक है अगर बुज़ुर्गों की संख्या आपके देश में ज़्यादा है तो मान लो वो सब लोग नौकरी पे हैं तो ये उनको पेंशन उनको पेंशन ही देते देते सरकार का खर्चा बिल्कुल निकल जाएगा कुछ नहीं बचेगा उनके पास हेल्थ केयर में ही पूरा पैसा निकल जाएगा क्योंकि बुजुर्गों की जो हेल्थ है वो ज़्यादा चांस है ना खराब होने की तो सरकार हेल्थ केयर पर ही खर्चा करती रहे पेंशन पर पे खर्चा करती रहे ये भी तो चाहिए यूथ भी तो चाहिए तो ये सब टू चाइल्ड पॉलिसी के ये डी मेरिट थी इसके वजह से गवर्नमेंट पे ये एक्स्ट्रा खर्चा था हेल्थ का और पेंशन का चलिए आगे करते हैं वन थर्टी करते हैं कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए भारत का पहला स्वदेशी इंडिजिनस स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर किसके द्वारा विकसित किया गया पहले इन शब्द को समझना पड़ेगा कोल्ड चेन मैनेजमेंट क्या है सप्लाई चेन मैनेजमेंट पढ़ें आप लोग सप्लाई चेन मैनेजमेंट यानी ट्रांसपोर्टेशन जो होता है उसी को सप्लाई चेन मैनेजमेंट की तरह आप समझ लीजिए अभी ठीक है ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक होता है एक जगह से दूसरी जगह माल ट्रांसपोर्ट हो रहा फिर वहाँ से यहाँ पर हो रहा फिर यहाँ से यहाँ पर हो रहा इस तरह से जो साइकिल रहती है वो सप्लाई चेन बोलते से तो इसी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में एक शब्द और आपको ऐड करना है कोल्ड ठीक है कोल्ड कोल्ड का मतलब यहाँ पर फिर टेम्परेचर से हो गया और टेम्परेचर का मतलब जो भी आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं खासतौर से वैसे प्रोडक्ट जहाँ पर टेम्परेचर कम की ज़रूरत होती है ठीक है ऐसे प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं पेरिसेबल ठीक है जो जिनकी गुंजाइश ख़राब होने की बहुत ज़्यादा रहती है उन्हें पेरिसेबल बोलते हैं जैसे कोई फूड प्रोडक्ट हो गया फलों का ट्रांसपोर्ट कर रहे हो सब्जियों का ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो ये कम टेम्परेचर में ही सस्टेन कर पाएंगे ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा तो खराब हो जाएंगी एक से दो दिन में ख़राब हो जाएंगे तो इन सब पेरिसेबल जो प्रोडक्ट हैं क्यों ना सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कोल्ड चेन का यहाँ पर कॉन्सेप्ट लाया जाए तो इसमें है कुछ नहीं बस एक यहाँ पे एक डिवाइस यहाँ पे डेवलप की है आईआईटी आई रोपण ने आईआईटी आई रोपण ने पहली पहला फैक्टर याद रखना आईआईटी रोपण ने एक डिवाइस का निर्माण किया है उसका नाम है एम बी टैग ठीक है एम बी टैग ये एम बी टैग करेगी क्या जैसे किसी ट्रक में सामान जा रहा है पेरी तो उस उस ट्रक के अंदर एम एम बी टैग ये डिवाइस रहेगी और ये रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगी ठीक है कि कितना टेम्परेचर है और कितना और ये डिवाइस टेम्परेचर वेरिएशन बताएगी और ये भी बताएगी साथ में कि ये जो प्रोडक्ट आप ले जा रहे हो पेरिसेबल प्रोडक्ट ले जा रहे हो ट्रक में ये अब यूजेबल है या फिर नहीं है तो एक तरह से व्यापारियों के लिए अच्छा सुविधा है तो आई आई टी रोपड़ यहाँ पर लगा देना ठीक है और इस, इसका डिवाइस का नाम याद रखना एम बी टैक बनाए किसने आई आई टी रोपड़ ने टेम्परेचर को मेजर कर रहा है सिंपल सा ये समझ लीजिए वन थर्टी वन देखिए एक राष्ट्र एक मानक यानी वन नेशन वन स्टैंडर्ड स्कीम जो है उसके बारे में पूछा है तो देख लेते हैं जल्दी से ये जो स्कीम स्टार्ट की है ना इसमें एक संस्था ऐड नहीं है एक संस्था का काम नहीं है इसमें इसमें आपको तीन संस्थाएं याद रखनी है पहली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे उसके बाद आपको मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स और फिर तीसरा बी आई एस यानी जो लिखा है ऑप्शन है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इन तीनों ने इस योजना का निर्माण किया है यानी पहला पॉइंट तो गलत हो गलत हो गया वैसे इसमें केवल नहीं लिखा है अगर केवल लिखा होता ओनली लिखा होता तब जाके गलत होता है ना ऐसे में तो ये सही माना जा सकता है यह योजना बी आई एस द्वारा शुरू की गई है तो कुछ हद तक सही है मेरे हिसाब से गलत नहीं होना चाहिए इसको भी अगर यहाँ पे ओनली लिखा होता या, या योजना भारतीय केवल केबल यहाँ पर अगर केवल लिखा होता तो इसको हम पूरी तरीके से गलत कर सकते हैं खैर कोई नहीं दृष्टि ने आंसर इसको गलत माना है तो हम लोग भी मान लेते हैं दूसरा पॉइंट है हाल ही में अनुसंधान डिजाइन मानक संगठन यानी आर डी एस ओ आर डी एस ओ रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन विकेम द फर्स्ट स्टैंडर्ड बॉडी टू ज्वाइन द स्कीम हाँ तो ये भी ये भी बात सही है शामिल होने वाला ये पहला संस्था है आर डी एस ओ ठीक है तो दूसरा पॉइंट करेक्ट है दूसरा पॉइंट करेक्ट है चलिए वन थर्टी टू देखिए तो मैं से किस देश ने जून ट्वेंटी वन में आयोजित ब्रिक सॉरी ये ब्रिक्स है अच्छा ब्रिक्स है ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की आवासीय बैठक यानी वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो हो रही है आजकल तो यही हो रहा ना तो ब्रिक्स का जो फॉरेन मिनिस्टर का मीट हुआ है इसको होस्ट किसने किया है इंडिया ने किया है इंपॉर्टेंट है ठीक है थीके? और ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्री हैं आप लोगों को पता है ब्राज़ील रसिया इंडिया चाइना और साउथ अफ्रीका पाँच कंट्रीज़ हैं और ब्रिक्स समिट कहाँ हो रही है दो की दो की ब्रिक्स समिट इंडिया में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है इससे पहले भी दो बार इंडिया कर चुका है 2012 में और 2016 में ये तीसरी बार मौका होगा इंडिया के लिए ठीक है आगे बढ़ें चलिए वन थर्टी देखिए भारत का कौन सा राज्य प्रत्येक वर्ष दो जून को अपना स्थापना दिवस मनाता है दो जून जो नया स्टेट बना है बनाए उनतीसवा स्टेट है ठीक है कौन है तेलंगाना वैसे अब तो उनतीस बचे नहीं है राज्य अब तो अट्ठाइस ही हैं जम्मू कश्मीर राज्य तो रहा नहीं है ठीक है तो ये तेलंगाना का ये हुआ था दो ये दो जून को ये अपना स्थापना दिवस मनाता है तेलंगाना बना कब था दो हज़ार चौदह में ठीक है दो हजार चौदह में एक सौ चौंतीस देखिए कोरोना वायरस के निम्नलिखित प्रकारों में से किसे कप्पा नाम दिया गया जो डेल्टा नाम सुनते हैं हम लोग डेल्टा जो को, 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 कोरोना का जो डेल्टा वेरियंट है तो डेल्टा नाम तो डब्ल्यू एच ओ ने दिया ठीक है और ये जो बी के फॉर्म में लिखा है ये डिजिट के फॉर्म में लिखा है ये ये वेरिएंट का फॉर्म लिखा है ठीक है स्ट्रेन का स्ट्रेन का फॉर्म लिखा है म्यूटेंट स्ट्रेन नॉर्मली हम लोग इसको डेल्टा के नाम से जानते हैं अरे है कौन सा ये v.1.617.1 ये है चलिए एक सौ पैंतीस देखिए ईसाक हर हरजोग ईसाक हरजोग को हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया हम लोगों ने काफी देशों के राष्ट्रपति पढ़ लिए हैं और खासतौर से उन्हीं देशों का पढ़े हैं जो बहुत छोटे हैं साइज में छोटे हैं या फिर उनकी कुछ अलग खूबी या फिर पहला पद महिला को मिला हो या जहाँ पे तानाशाई का तख तक उलट डेमो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी हो तो उस तरह के इम्पोर्टेंट होते हैं तो ये भी देख लीजिए और न्यूज़ में रहे हैं चर्चा में रहे हैं तो आंसर है इसराइल ठीक है इसराइल के नए प्रेसिडेंट हैं इस शाख हर चौक याद रखना इसराइल इंपॉर्टेंट है चलिए वन थर्टी सिक्स देखिए हाल ही में चर्चा में रहा स्वास्थ्य क्या है सी आई एस आर के बारे में आप लोग परिचित होंगे ठीक है सी आई एस आर की एक शाखा है जिसे बोलते हैं नेशनल नेशनल केमिकल लेबोरेट्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल केमिकल लेबोरेटरी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इस संस्था को आपको याद रखना है कहाँ पर नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे में ठीक है इस शाखा किसकी है सी आई एस आर की इन्होंने एक टेक्नोलॉजी का निर्माण किया है उसका नाम है स्वास्थ्य और ये काम क्या करेगी वाटर को प्योरीफाई करेगी वाटर को प्योरीफाई करेगी मतलब इनफेक्ट डिस इन्फेक्ट, इन्फेक्ट करेगी वाटर को ठीक तो ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा है सेफ ड्रिंकिंग वाटर टेक्नोलॉजी ठीक है सुरक्षित पेयजल प्रौद्योगिकी इनका नाम याद रखना नेशनल केमिकल लेबोरेटरी ने काम किया है पुणे में है जो चलिए वन थर्टी सेवन देखिए भारत सरकार ने किस राज्य में सड़क उन्नयन परियोजना यानी यहाँ पे रोड अपग्रेडेशन की बात कर रहे हैं के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर तो ये लोन कहाँ से ले रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन बताया गया ए से ठीक है एशियन डेवलपमेंट बैंक लोन दे रहा है कितने का टू मिलियन डॉलर बहुत ज़्यादा है ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है ये काम सिक्किम के लिए किया जाएगा ठीक है सिक्किम के जो रोड हैं उनका उन्नयन किया जाएगा उनको ग्रेड अप किया जाएगा तो आंसर याद रखना सिक्किम सिक्किम के बारे में जानते हैं पहाड़ी क्षेत्र है तो यहाँ पर रोड की स्थिति वैसी नहीं है जो जैसी मैदानी भागों में रहती है नेचुरल क्लैमिटी रोड को बिगाड़ती रहती है तो उनका ग्रेडेशन बहुत जरूरी है चलिए वन थर्टी एट देखिए निम्नलिखित में से कौन न्यूनतम मजदूरी और राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण पर सिफारिशें देने के लिए भारत सरकार द्वारा हाल ही में गठित विशेषज्ञ समूह का प्रमुख होगा तो उस समिति के अध्यक्ष का नाम बताना जो रिकमेंड करेगी सरकार को किसके मैटर पे फिक्सेशन ऑफ मिनिमम बेजिस पे ठीक है नेशनल फ्लोर मिनिमम बेस कितना होना चाहिए ऐसी रिकमेंडेशन देने के लिए कौन सा यहाँ पे एक्सपर्ट कमेटी कमेटी बनाई गई है और उसके मुखिया कौन है यानी वर्कर्स को सभी कैटेगरी के वर्कर्स को मिनिमम लेवल मिनिमम बेजिस कितने होना चाहिए ऐसा ही रिकमेंड करेंगी और इसके मुखिया अजीत मिश्रा जी हैं ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे चलिए वन थर्टी एट देखिए वन थर्टी नाइन सेज पहल यानी सेज इनिशिएटिव और सेज पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया पहले है क्या ये तो जानना है इसका फुल फॉर्म पहले देखिए इसका फुल फॉर्म क्या है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन यहाँ पे आपको सीनियर केयर दिख रहा है यानी ये बुज़ुर्गों के लिए एक पोर्टल है और इस पोर्टल पे होने क्या वाला है ये बुज़ुर्गों का बुज़ुर्गों का स्टार्टअप पोर्टल है वेरी इंपॉर्टेंट बुज़ुर्ग लोग भी स्टार्टअप कर सकते हैं ठीक है इनोवेटिव यदि उनका प्रोडक्ट है तो वो इस पोर्टल पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं और अभी हम लोगों ने एक डेटा पढ़ा था सेंसस दो यानी जनगणना दो हज़ार का जो डेटा है एल्डरली डल्डी पीपल का बुज़ुर्ग लोगों का वो कितने लोग हैं दस करोड़ ठीक है ये याद रखना पूछता है और ये पता भी होना चाहिए टेन पॉइंट फोर करोड़ एल्डरली डल्डी पीपल हैं ठीक है थीके? तो इनके बेनिफिशरीज ये लोग हैं दस करोड़ लोग तो यहाँ पर अल्टीमेटली हो क्या रहा है सोशल जस्टिस की बात हो रही है ना और बुजुर्ग लोगों के एम्पावरमेंट की बात हो रही है तो ये काम किसका होगा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ठीक है फोर्थ ऑप्शन दिख रहा नहीं फोर्थ नहीं सी ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ठीक है सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया वन फोर्टी देखिए उस हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज का क्या नाम है जिसे चार जून दो हज़ार इक्कीस को सेवामुक्त कर दिया गया हम लोगों ने एक क्वेश्चन पढ़ा था कल हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के लिए एक नया जहाज़ कौन सा आया था उसका नाम बताना ठीक है तो वहाँ पर क्वेश्चन कौन लॉन्च किया गया मतलब कमीशन कौन किया गया ये पूछा था यहाँ पर पूछा कि कौन डी कमीशन किया गया हो सकता है इस उसने इसका स्थान लिया हुआ है ना और इस आई एन एस का नाम है आई एन एस संधायक ठीक है ये डी कमीशनड हो गया अब काम नहीं करेगा आप अब लोग जाएंगे उस पर बस घूमेंगे म्यूजियम की तरह काम करेगा ठीक है चलिए वन फोर्टी वन देखिए ये दिन से तारीख मिला दीजिए जल्दी से विश्व पर्यावरण दिवस बेरी आसान है पाँच जून को होता है तो डी का थ्री लगा दीजिए ठीक है डी का थ्री दो ऑप्शन में है और इसको तो याद ही रहना चाहिए है ना ग्लोबल पेरेंट्स डे जो होता है वो एक जून को होता है ठीक है एक जून को तो सी का फोर हो गया सी का फोर भी यहाँ पर तीन ऑप्शन में है तो ऑप्शन तो आंसर तो हम लोगों को मिल गया सी ऑप्शन ठीक है तो एक अपन लगा दीजिए विश्व साइकिल दिवस जो है वो तीन जून को होता है और विश्व महासागर दिवस आठ जून को होता है ये भी इंपॉर्टेंट है चारों सेपरेट क्वेश्चन की तरह पढ़ना चलिए आगे कीजिए वन फोर्टी टू देखिए वन फोर्टी टू ये जस्ट फैक्ट है आपको याद रखना है और इसको कई बार कर चुके हैं अनिरुद्ध जगन्नाथ कर तो सभी चुके हैं लगभग क्वेश्चन अनिरुद्ध जगन्नाथ जिनका हाल ही में निधन हो गया किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है मोरिसस है मॉरीसस के मोरीस देख रहे हैं कहाँ पर अरब सागर में है या फिर इंडियन ओशियन में इंडियन ओशियन का ही तो भाग है अरब सागर लेकिन इंडियन ओशियन में ठीक है अरब सागर की स्थिति ऊपर है वैसे दोनों ऑप्शन नहीं रहेंगे क्वेश्चन में एक कोई रहेगा या अरब सागर रहेगा इंडियन ओशियन रहेगा चलिए वन फोर्टी थ्री देखिए निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स इस परफॉर्मेंस देख रहे हैं इस इंडेक्स में किसकी परफॉर्मेंस देख रहे हैं चलो देख लेते हैं तो ग्रेडिंग से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कुछ कुछ एजुकेशन से संबंधित लग रहा है, है ना तो बस इस एजुकेशन को पकड़ लेना यानी ये राज्यों में स्कूल आ, स्कूल स्टेटस यानी स्कूल एजुकेशन स्कूल एजुकेशन का स्टेटस कैसा है यहाँ पे ये मेजर किया जाएगा ठीक है और ग्रेड से पता चलेगा कि कौन स्टेट में स्कूल की क्वालिटी स्कूल की एजुकेशन कैसी है तो यहाँ पर ग्रेडिंग में ये जैसे ए प्लस प्लस दे दिया ए प्लस दे दिया ठीक है जैसे सी बी बोर्ड में चलता है बी प्लस बी 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 माइनस अब जैसा भी इन लोगों ने ग्रेडिंग बनाया हो मेन थीम तो समझ गए ना तो एजुकेशन से तो यहाँ पर काम कौन करेगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ठीक है पहले इसको क्या बोलते थे एम ठीक है एम मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट तो जल्दी से पॉइंट पढ़ लीजिए पहला पॉइंट क्या है इसे शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी किया गया ये तो बिल्कुल करेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने काम किया है दूसरा पॉइंट है इस सूचना को पहली बार 2019 के संदर्भ में के मैं संदर्भ वर्ष दो हज़ार के साथ प्रकाशित किया गया था ठीक है तो इसको पहली बार पब्लिश किया गया था 2019 में तो ये पॉइंट ठीक है दोनों पॉइंट ठीक है यानी इसका सी ऑप्शन है और सबसे ऊपर की जो ग्रेडिंग है सबसे बेस्ट ग्रेडिंग जो स्कूल है वो ए प्लस प्लस की ग्रेडिंग दी जाती है ठीक है और ये ग्रेडिंग किस किस किसने पाई है पंजाब ने ठीक है पंजाब चंडीगढ़ को ये दर्जा प्राप्त है मतलब वहाँ के स्कूल का एजुकेशन जो है वो ए प्लस प्लस ग्रेडिंग का है ठीक है चलिए वन फोर्टी फोर दिखें वर्ष दो हज़ार इक्कीस का अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कई बार हम लोगों ने पढ़ चुके हैं और रट लिए होंगे अब तो डगलस स्टूअर्ट ठीक है इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ मिला है और इनकी किस किस उपन्यास के लिए मिला है बुकर प्राइज़ किस लिए दिए जाते हैं लिटरेचर में दिए जाते हैं ठीक है सॉरी सॉरी क्वेश्चन हम लोगों ने गलत पढ़ लिया मतलब हमने गलत पढ़ लिया अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइस पूछा यहाँ पे मैन बुकर प्राइज नहीं पूछा है यहाँ पे इरेज कर ले रहा हूँ हम लोग दोबारा डिस्कस कर ले रहे हैं ठीक है यहाँ पे इंटरनेशनल बुकर और प्राइस पूछा है ना कि मैन बुकर प्राइज़ मैन बुकर प्राइज जो है वो ट्वेंटी ट्वेंटी का ये मिला है डगलस स्टूअर्ट को ठीक है इनकी बुक जो हम लोग पढ़ते रहते थे कौन सी किताब पढ़ते थे शगी बेन ठीक है यहाँ पर लिख दे रहा हूँ शगी बेन इस किताब के लिए इस उपन्यास के लिए इनको मिला था दो हज़ार बीस का मैन बुकर प्राइज़ चूँकि यहाँ पर इंटरनेशनल बुकर प्राइस पूछा है तो इसके जो विजेता हैं वो डेविड डी ओप हैं ठीक है डेविड डी ओफ और किस किताब के लिए मिला है ये किताब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है एट नाइट आल ब्लड इज़ ब्लैक ठीक है एट नाइट आल ब्लड इज़ ब्लैक सेपरेटली याद रखना एट नाइट आल ब्लड इज़ ब्लैक किसकी किताब है चार ऑप्शन में दे देगा तब भी मार देना डेविड डी ओफ का ठीक है चलिए वन फोर्टी फाइव देखिए अजरबैजान अजरबैजान अजर ग्रांड प्रिक्स ट्वेंटी वन में से किसने जीता बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ग्रैंड प्रिक्स समझते होंगे ये जो रेसिंग वाले जो होते हैं वो तो यहाँ पर नाम पढ़ के समझ में आ जाता है ना लुइस हैमिल्टन ये सब जो हैं और ये सुबास्टिन बैटल ये सब क्या करते हैं गाड़ी चलाते हैं रेसिंग वाली गाड़ी चलाते हैं तो इसके जो अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स के बजेता है वो सरजीओ पेरेज हैं ठीक है ये रेड रेडबुल्स हैं ये रेड बुल की गाड़ी चलाते हैं लुइस हैमिल्टन को बताएंगे ये मर्सिडीज चलाते हैं क्या चलाते हैं कमेंट करके बताना चलिए वन फोर्टी सिक्स देखिए हाल ही में भारत को निम्नलिखित में से किस अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का सदस्य चुना गया यू काउंसिल या सॉरी यू इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल देखो यू के जो ऑर्गन है वो आपको वो आपको पता होना चाहिए जैसे मेन ऑर्गन कौन है यू ठीक है यू एन जी ए यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली जो होती है और ऑर्गन क्या पढ़ते हैं हम लोग यू एन ठीक है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऐसे ये के भी है कौन सी यू एन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ठीक है तो अभी हम लोग इसके मेंबर हुए हैं लेकिन कुछ समय के लिए वो वो समय है 2022 से 2024 का ठीक इंपॉर्टेंट है ठीक है चलिए 147 फोर्टी सेवन देखिए अब्दुल्ला साहिद जिन्हें हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा देखो वही एक इंस्टीट्यूट आ गया इस किसकी ये यू की बात कर रहे हैं ठीक है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया तो ये भी अपने यहाँ में एक फैक्ट है यू के जो चेयरमैन है वो कौन है अब्दुल्ला साहिद साहब हैं और भाई किस देश से देश का पूछा है तो ये कमाल किया है मालदीव ने है ना मालदीप ये पहली बार हुआ है मालदीप मतलब फर्स्ट टाइम है कि मालदीप होल्ड कर रहा है ऑफिस को होल्ड कर रहा है प्रेसिडेंट के पद का यू के प्रेसिडेंट के पद का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और यू में कितने मेंबर हैं ऐसे डेटा अब नहीं पूछेगा लेकिन मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए वन है और इनकी मेम्बरशिप जो होती है यू की मेबरशिप आपको पता है ये रोटेट करती रहती है ठीक है मतलब जियोग्राफी के हिसाब से रोटेट करती है अफ्रीका अफ्रीका कॉन्टिनेंट से, से, से फिर एशिया पैसिफिक से फिर ईस्टर्न यूरोपियन से ऐसे फिर रिलेटेड अमेरिका से इसलिए कंट्री पूछता है हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है चलिए क्योंकि मालदीव जो कैटेगरी है वो एशिया पैसिफिक में है ठीक है तो एशिया पैसिफिक में मालदीव को चुना गया चलिए वन फोर्टी एट देखिए भारत के पहले स्वदेशी ट्यूमर एंटीजन एंटीजन समझते हैं एंटीजन मतलब एक रोगाणु और एंटीबॉडी उस रोगाणु को मानने वाला तो ट्यूमर एंटीजन जो है एस को हाल ही में एक ट्रेडमार्क प्राप्त हुआ है एंटीजन का विकास निम्नलिखित महसी किस संगठन द्वारा किया गया और ट्यूमर जानना है बहुत खतरनाक कैंसर है है ना बहुत खतरनाक टाइप का कैंसर है तो इस एंटीजन को जो बनाया है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी न्यू दिल्ली सेपरेटली याद रखना है चारों इंस्टीट्यूट देखो कहाँ कहाँ पर पूछता है है ना ये चारों चारों के चारों पूछे जा चुके हैं तो ये काम जो किया है एंटीजन वाला ट्यूमर एंटीजन ये इसने किया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी अगर हो सके तो ऐसे भी याद रख लेना कि अभी चर्चा में रहा एस पे एस पी ए जी नाइन शब्द जो है वो क्या है ठीक है ऑप्शन में दे देगा मिसाइल दे देगा गेहूँ की प्रजाति दे, दे देगा एक एंटीजन भी रहेगा तो एंटीजन में मार देना ठीक चलिए वन फोर्टी नाइन देखिए वर्ष ट्वेंटी ट्वेंटी वन में भारत के कृषि और संबद्ध संबद्ध उत्पादों के निर्यात में वृद्धि हुई है एग्रो प्रोडक्ट जो हैं और एग्रो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में पूछा है कि एक्सपोर्ट में उनकी कितनी वृद्धि हुई है तो वृद्धि तो हम लोगों ने अच्छी खासी की है ठीक है सत्रह पॉइंट सेवेंटीन पॉइंट थ्री फोर परसेंट रेड राइस याद आ रहा रेड राइस और ब्लैक राइस याद आ रहा ठीक है ये भी हम लोग एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं रेड राइस कहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे थे किसको एक्सपोर्ट कर रहे थे यूएसए या याद आया और रेड राइस कहाँ पर हो रहा था ब्रह्मपुत्र वैली में यानी असम में ठीक है असम में ब्लैक राइस आप लोग बताना चलिए वन फिफ्टी देखिए निम्नलिखित में से कौन बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में अपनाने वाला पहला देश है ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन पुराना है बिटकॉइन के बारे में जानते होंगे ये क्या है डिजिटल करेंसी है ठीक है डिजिटल करेंसी फिजिकल फॉर्म की कोई करेंसी नहीं है पैसा नोट की तरह नहीं है इसको अपनाने वाला इसको एडॉप्ट करने वाला पहला देश है अल सेलवाडोर ठीक है अल सेलवाडोर ये हम लोगों ने यू पी दृष्टि की टेस्ट सीरीज पूरी खत्म कर ली है ठीक है सोलर टेस्ट है सोलर टेस्ट कर लिए और अभी तक आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए आप लोगों के सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच अब एक दो दिन का थोड़ा सा गैप रहेगा वैसे एक दो दिन का तो वैसे भी हो जाता है गांव जा रहा हूँ एक्चुअली तो दो तीन दिन का गैप हो सकता है ठीक है फिर करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं छः महीने का बढ़िया से करेंगे बहुत बहुत शुक्रिया